आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज की परिचर्चा बहुत सुंदर, बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील और बहुत दृष्टिकोणों से, बहुत आयामों से युक्त आज की ये परिचर्चा है। और इसके लिए हमारे साथ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज एंड तिब्बतन स्टडीज से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज की इस चर्चा को हम आरंभ करते हैं। और इस चर्चा के विषय में, इससे पूर्व कि मैं आपका परिचय आज के वक्ता के साथ कराऊं, उससे पूर्व कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं इस विषय को लेकर के। क्योंकि जब हम किसी वेबिनार को आयोजित करते हैं तो उसमें मूलतः ये एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि जो जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय को मूलतः हम कितना जानते हैं या उसके बारे में हमारी कितनी समझ है, कितना हमारे पास सूचना है या ज्ञान है। और उससे अधिक हम जानने के लिए जो है वो विद्वान वक्ता को आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारा जो ज्ञान है उसका संस्कार हो, उसका परिमार्जन भी हो, और साथ ही साथ उस ज्ञान का विस्तार और उसमें सूक्ष्मता और संवेदनशीलता का भी अंश आए। नहीं तो वो ज्ञान जो है वो उस सरोवर की तरह बन के रह जाते हैं जिसमें जो गंदगी है वो जम जाती है, तहें जम जाती हैं। तो इसलिए ये वेबिनार और इन विषयों पे चर्चा करना बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए हमें जो सहयोग मिलता है विद्वान वक्ताओं का, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो समय ना लेते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं सीधा विषय की ओर अग्रसर होता हूँ कि आज का जो हमारा विषय है वो है फॉर्म एंड एसेंस ऑफ शून्यता। और बौद्ध दर्शन के जो पर्सपेक्टिव है, धर्म और दर्शन का जो एक दृष्टिकोण है, दृष्टि है, उसके ऊपर, उस दृष्टि से आज हम शून्यता को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं आपके सामने चर्चा के लिए एक भूमिका के रूप में बातें रखूंगा, वो केवल इसलिए है ताकि वक्ता के लिए भी ये सुविधा हो जाए कि वो किस तरह के लोगों से चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और किस स्तर पे वो चर्चा हमारे साथ आरंभ करेंगे। तो इसलिए ये केवल मात्र एक पृष्ठभूमि के रूप में कुछ बातें हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका स्पष्टीकरण हमें अपेक्षित है। तो बुद्ध को लेकर के तीन ही सबसे बड़ी मुख्य बातें हमें पता होती हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अब इन तीन के बीच में हमें उस शून्यता को समझना है, जानना है और उसके विविध आयाम क्या हो सकते हैं उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और सामान्य रूप से शून्य को से जो हमारा परिचय होता है वो मैथमेटिकल जीरो से होता है कि हम उसी अर्थ में शून्य को जानते और समझते हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व कुछ श्लोकों को, कुछ कारिकाओं को हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सूचनाएं उपलब्ध हैं, ताकि उन सब में समन्वय जो है वो आज के मुख्य वक्ता हमारे लिए करें। सबसे पहले जो कारिका ध्यान में आती है, सर्वम च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते, सर्वम न युज्यते तस्य शून्यम यस्य न युज्यते, हूएवर इज इन ट्यून विद शून्यता इज इन ट्यून विद एवरीथिंग। बहुत सुंदर बात है, बहुत संवेदनशील बात है, तो इसलिए इसको हम कहीं इसके साथ भूल चूक ना कर जाएं, इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। एवरीथिंग इज आउट ऑफ ट्यून फॉर हिम हु इज आउट ऑफ ट्यून विद शून्यता। तो ये शून्यता का महत्व है जिसे हमें ध्यान रखना है। इसलिए ये एक दार्शनिक सौंदर्यवाची शब्द है, दार्शनिक शब्द है, संवेदनशील भावपूर्ण शब्द है। और इसी के बारे में और आगे वो चल के मूल मध्यम कारिका में कहते हैं, तथागतो यत् स्वभावस् तत् स्वभावमिदं जगत्, तथागतो निस्वभावो निस्वभावमिदं जगत्। तथागत बुद्ध का जो स्वभाव है वही स्वभाव जगत का है, तथागत निस्वभाव है यह जगत भी निस्वभाव है। तो अब इसका मतलब है कि शून्य का एक पक्ष जो निस्वभावता का है वो हमारे लिए एक प्रश्न है, उसको हमें जानना और समझना है। अब एक पक्ष और जिसके ऊपर सारा का सारा जो शून्यता का दर्शन खड़ा होता है, जिस कारिका के आधार पर, नागार्जुन की कारिका, मध्यमिक कारिका में से, न सन्नासन सदसन्न
न चाप्य अनुभयात्मकम चतुष्कोटिर विनिर्मुक्तम तत्त्वम माध्यमिका विदु। यानी कि जब पदार्थ का स्वरूप निर्णय करने में चारों कोटियों का प्रयोग जो है वो संभावित होता है, अस्ति या वो अस्ति होगा, नास्ति होगा, तदुभय होगा, नोभयम, और इन चारों कोटि से, चारों कोटियों से जो विनिर्मुक्त है उसे शून्य शब्द से अभिहित किया जाता है, वो शून्य शब्द का अभिप्राय है। लेकिन इन चार कोटियों से जो बाह्य है, इन चार कोटियों से अतिरिक्त जो है उसे शून्य जब हम कहते हैं तो उससे हम क्या समझें, उससे हमारा क्या अभिप्राय। अब होता क्या है कि ज्ञान की धारा तो अलग चल रही होती है, लेकिन बीच में जहां पर बौद्धिकता का एक द्वेष अहंकार जब आता है तो हम कई तरह के तर्क कुतर्क करने लगते हैं और उसको हम समझते नहीं, उस बात की गंभीरता को। तो जैसा कि सामान्य रूप से हम कई बार दिए तर्क भी देखते हैं कि यदि ये आप सिद्धांत स्थापित करते हैं कि सर्वं शून्यम, तो उसका जो काउंटर क्वेश्चन वो करते हैं छेड़ने के लिए, तदा किं बुद्ध से वचनम अपि शून्य, तो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन इस बात में कितना उथलापन होता है ये बात आगे चलकर हम स्पष्ट करेंगे कि ये बात किस संदर्भ में और कैसे इसको हमने हैंडल करना है, ये बात हम समझेंगे। लेकिन अति बौद्धिकता से हमें बचना है और इस शून्य शब्द की संवेदनशीलता को जानना है। यहां पर एक बात मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक और माध्यमिक कारिका है और एक और जो है वो मांडुक्य कारिका है। अब अभी ये जो मैंने आपके साथ कारिका शेयर की थी, सांझी की थी, उसमें चतुष्कोटि विनिर्मुक्त की बात हुई थी कि अस्ति और नास्ति की बात हुई थी। ठीक उसी तरह से जो चल करके हमारे पास वेदांत के ग्रंथ आते हैं उसमें भी ये कारिका हमें दिखाई देती है। गौड़पाद कारिका में अस्ति चार कोटियां हैं, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति, और वहां पर ये शब्द जो आ जाता है नास्ति नास्ति, वो नोभियम की बात नहीं है, नास्ति नास्ति है। जहां पर कई बार मुझे कंफ्यूजन हुआ कि ये नास्ति नास्ति दो बार प्रयोग करने का क्या अर्थ है, क्योंकि इसका मतलब तो वो सकारात्मकता हो गई, डबल नेगेशन जब आप यूज करेंगे तो लॉजिकली वो पॉजिटिविटी में चला जाता है। लेकिन ये यहाँ पे ये जो कारिका है ये खंडन के लिए है, लेकिन इन दोनों के जो संभावित एक दूसरे के साथ संबंध है उसको हम समझने का जरूर प्रयास करें। तो वेदांत का इस तरह का तर्क करना और उधर से बुद्धिज्म का ये स्थापना, दोनों के संबंधों को जो है वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ मैं एक दो बातें और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जल्दी से। एक तो है कि प्रज्ञापारमिता शब्द का हम प्रयोग करते हैं और जो प्रज्ञापारमिता के सूत्र हैं उनमें वो कहा गया है कि ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग धर्माज आर एम्प्टी ऑफ सेल्फ नेचर, ओन नेचर स्वभाव। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि दो वी परसीव द वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर एम्प्टी ऑफ द आइडेंटिटी इंप्यूटेड बाय देयर डेजिग्नेटेड लेबल्स। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हार्ट सूत्र, जिसे हृदय सूत्र कहते हैं, वहां पर वो कहते हैं फॉर्म डज नॉट डिफर फ्रॉम द वॉइड एंड द वॉइड डज नॉट डिफर फ्रॉम द फॉर्म, फॉर्म इज वॉइड एंड वॉइड इज फॉर्म। और ये बात जब हम फिजिक्स की ओर चलते हैं तो वहां हमें पर लगता है कि शायद यही सारी की सारी बात वहां पर मैथमेटिकल तरीके से, साइंस के तरीके से कही गई है, तो उनमें कोई भेद हमें ज्यादा नहीं दिखाई देता। अब इसका एक पक्ष और जो हमें अपेक्षित है आज जानने के लिए, वो है कि कालिदास भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन वो सौंदर्य के अर्थ में करते हैं, तो क्या शून्यता का कोई सौंदर्य पक्ष भी हो सकता है, ये एक अपने आप में अलग सा प्रश्न है। जहां पर वो शकुंतला जो है राजा के पास जाती है और जाकर के उस राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है, तो वो उसे अभिज्ञान पहचान का चिन्ह दिखलाने के लिए जब अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है तब वो शब्द प्रयोग करती है कि अंगुलियक शून्या में अंगुली, कि मेरी मेरा अंगुली अंगूठी से रहित है, शून्य है। तो यहाँ पे आप शून्य शब्द देखें तो कितना भाव प्रणव है, और सारे का सारा अभिज्ञान शकुंतल नाटक इस शून्यता पर आधारित है। तो ये इसका सौंदर्य पक्ष भी, जो बौद्धिकता है उसके साथ सौंदर्य पक्ष को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन सब बातों को जानने और समझने के लिए आज हम
हमने जिन विद्वान वक्ता को सादर आमंत्रित किया है वो है प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो कि प्रोफेसर ऑफ तिब्बतन एंड बुद्धिस्ट स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज एंड तिब्बतन लैंग्वेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, और इस वक्त प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस में प्रोफेसर ऑफ इंडिया स्टडीज के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस स्टडीज चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग हांगकांग में वहां पर हैं और उस दायित्व को ये निभा रहे हैं। और डॉक्टर साहब की जो उपलब्धियां हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कई उन्होंने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, UGC स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, और उसके अतिरिक्त उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं जिनमें सेक्ट्स इन तिब्बतन बुद्धिज्म कंपैरिजन ऑफ प्रैक्टिसेस बिटवीन गेलुग एंड नियम गमा सेक्ट्स। और इसी तरह से उनकी दूसरी जो पुस्तक है बौद्ध धर्म और तिब्बती परंपराएं, ये भी है। तीसरी पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धिज्म तिब्बतन ट्रेडिशन एंड इंडियन पाथ, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त वो कई ऐसी संस्थाओं के, नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं के सदस्य भी हैं जहां पर वो प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे विद्वान वक्ता का हम सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो इस सारे विषय को हमारे लिए आज स्पष्ट करें और उसका विस्तार इस तरह से करें कि हमें वो समझ में आए, जिस शून्यता से हम अति परिचय के कारण हमें लगता है कि हमें तो शून्य पता ही है, लेकिन वस्तुतः उस शून्य के बारे में हम शून्य ही हैं। इससे पूर्व कि मैं विद्वान वक्ता को दो तीन बातें उनको आमंत्रित करूं, दो एक बातें और आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो ये कि इस शून्यता को के चार पक्ष हैं जिसको आप सभी जानते हैं, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि एक और अस्ति है, नास्ति है और तदुभय है और नोभयम वाली स्थिति है। ये चार पक्ष हैं और इनके जो शून्यता है और उसमें धर्म चक्र परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो उससे संबंधित प्रश्न है वो ये है नीचे, वो है कि जब हम विज्ञान में ये मानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसके रूप को बदल सकते हैं, तो फिर शून्यता को हम कैसे सिद्ध करेंगे या शून्यता को हम कैसे समझेंगे कि व्हेन इट इज प्रूवन दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस अर्थ में हम शून्यता को कैसे लेंगे, ये एक प्रश्न है। एक और हम जो जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर बुद्धिज्म को हम ये मान लेते हैं कि हमें बुद्धिज्म का पता है क्योंकि हमें बुद्ध का बचपन में हमने कहानियां पढ़ी थी और बुद्ध का जो है वो दुखवाद हम समझ लेते हैं। तो बौद्ध धर्म एवं दर्शन का केंद्र क्या है, क्या स्वयं बुद्ध उसका केंद्र है या दुख उनका केंद्र है, शून्य उसका केंद्र है, अष्टांग मार्ग या निस्वभावता, ये भी एक प्रश्न है जिसको हमें जानना बहुत आवश्यक है कि इस शून्यता और निस्वभावता के संबंध को कैसे समझेंगे। और वही आगे चल करके प्रतीत्य समुत्पाद और प्रज्ञा पारमिता, क्षणिकवाद, अनात्मवाद और निर्वाण में कैसे चला जाता है, निर्वाण और शून्यता के भी संबंध को हमें विद्वान वक्ता से जानना है। ये और कुछ कोटेशन है लेकिन मैं इनमें नहीं जा रहा, लेकिन वो प्रश्न आपके साथ साझा कर लेता हूं कि इस शून्यता द मिडल पाथ ऑफ बुद्धा, क्या ऐसा कुछ है, इस शून्यता को क्या हम मध्यम मार्ग कह सकते हैं, और इस शून्यता को आप कैसे परिभाषित करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और हाउ डज परसेप्शन ऑफ शून्यता मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ये बड़ा एक रुचिकर प्रश्न है कि किस तरह से परसेप्शन जो है इस शून्यता की वो हमारे सामने वो अभिव्यक्त होती है। और इसके साथ मैं चार व्यक्तियों का, चार विद्वानों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस सारे विषय के ऊपर अपनी टिप्पणियां हमारे साथ साझी की हैं। जब ये विषय उन साझा किया था इनविटेशन के तौर पे सभी लोगों के साथ, तो उन लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां हमारे साथ साझी की थी, जिनमें से विशेष रूप से डॉक्टर राहुल खटे जो मैनेजर हैं SBI नांदेड़ में, उन्होंने इस सारे विषय के ऊपर मैथमेटिक्स के हिसाब से, गणित की दृष्टि से उन्होंने इसके ऊपर अपने विचार हमारे साथ साझे किए थे, वो मैं आपके साथ बाद में साझा कर दूंगा। अब केवल मात्र इतना जानना अपेक्षित है कि इस शून्य का बहुत गहरा प्रभाव सारे विश्व के ऊपर रहा है, सभ्यताओं के ऊपर रहा है, ज्ञान पे रहा है, ये उन्होंने सिद्ध किया था। इसके अतिरिक्त
जो डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय हैं, जो फॉर्मर आईपीएस भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक इस सारे विषय के ऊपर एक टिप्पणी लिखी थी और वो आपके साथ मैंने यहाँ सांझी की है कि बौद्ध दर्शन के चारों संप्रदायों की चर्चा करते हुए उन्होंने मनुष्य के विकास के भी चार स्तर हैं, जिसको पूर्णता, जहाँ पर पूर्णता को बुद्ध कहा गया है, जो कि श्रावक स्तर पर, बोधिसत्व के स्तर पर, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक बुद्ध के स्तर पर। और इस दृष्टि से उन्होंने इस बुद्धिज्म के जो शून्यवाद है उसकी उन्होंने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त जो मेरे साथ दो चर्चाएं और लोगों ने की, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा सोनीपत से, जो कि वस्तुतः प्रोफेशनली जो ही से डॉक्टर, केवल अपने क्लिनिक की वजह से वो शायद अभी नहीं जुड़ पाएंगे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे विचार जो हैं वो आप जरूर वहां पर एक बार जरूर रखें। तो उनके वैचारिकता में उन्होंने इस सारे विषय को वैदिक दृष्टि से और उपनिषदिक दृष्टि से भी इसकी सारी की चर्चा की, और उन्होंने जितनी स्पष्टता मुझे उनके वक्तव्य में लगी, जितनी देर उन्होंने मेरे से चर्चा की, क्योंकि उनको बुद्धिज्म का बड़ा अच्छा स्पष्ट ज्ञान था, तो उन्होंने उस सारे विषय को अपने तरीके से बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। अगर वो जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात स्वयं रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे साथ डॉक्टर विंग कमांडर जेके शर्मा, उन्होंने भाषाई दृष्टि से इस शून्य शब्द का विश्लेषण करने का प्रयास किया, और मैं चाहता हूं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो अपनी बात हमारे साथ साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कुछ एक बातें थी जो मैंने भूमिका के रूप में आप सबके सामने रखी हैं, ताकि हम यहाँ से अपनी बात को उठाएं, यहाँ से हम शुरू करें कि इस सारी शून्यता के जितने आयाम हैं, उस आयामों को हम अपनी जो सीमित बुद्धि है उसे हम पकड़ने की, समझने की कोशिश करें और उसके प्रति अपने प्रति संवेदन को ज्यादा सूक्ष्म करें, ज्यादा संवेदनशील बनाएं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह जी को कि वो अपना वक्तव्य हमारे साथ लगभग 35-40 मिनट जो है वो हमारे साथ साझा करें, और फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर इस विषय पे लेंगे। तो डॉक्टर प्रोफेसर विजय सिंह जी। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद आशुतोष जी। मेरी आवाज श्रवण योग्य ठीक है अभी? जी जी ठीक है, थोड़ा सा लाउड अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे स्पष्ट है। मैं कमरे में हूँ, अब ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मुझे लगता है परिवार वाले दौड़ के आ जाएंगे, क्या इमरजेंसी है। ठीक है ठीक, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो जी। विभाग में भी होते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, घर में इस तरह के वेबिनार में आवाजें अपेक्षाकृत ठीक है। तो आशुतोष जी धन्यवाद, आपने जो भूमिका दी वो इतनी विस्तृत है, एक एक पक्ष शून्यता का जो भी संभव हो सका है मानवीय बुद्धि द्वारा रखा जा सकता है वो रख दिया गया है। और मैं नहीं समझता कि मेरी प्रज्ञा इतनी अधिक है कि उस भूमिका से इतर हट के या उससे कुछ अधिक मैं योगदान कर पाऊँ शून्यता में, फिर भी एक जो मुझे अवसर दिया गया है इसका प्रयत्न तो करूँगा। तो आप सब श्रोताओं को मेरा साधुवाद है कि आप इकट्ठा हुए हैं एकत्रित होकर के इस शून्यता विषय पर। तो मैं ऐसी जगह से प्रारंभ करता हूँ जो ऐसा लगे कि संभवतः शून्यता है क्या, इसकी अपेक्षा जो बुद्ध की एक दृष्टि रही है शून्यता क्या नहीं है। शून्यता क्या है ये तो ठीक है, भूमिका में आशुतोष जी ने बहुत विस्तृत से बता दिया, तो मुझे लगता है कि लोगों को एक अवगत हो ही गए होंगे, शून्यता एक छोटा मोटा एक अवधारणा बनी होगी। मैं एक रहीम कवि के छोटे से एक दोहे हैं उनसे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, और आशुतोष जी सुनाई बातें, कोई मेरी अपनी बात तो है नहीं। ये कहा रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। तो मुझे लगता है कि शून्यता का कुछ कुछ ऐसा अवधारणा है, ये कहने सुनने में इसका स्वरूप अत्यंत सीमित हो जाता है, और शब्दों के द्वारा कितना संप्रेषणीयता इसकी बचती है तो वही हम तक पहुंचता है। और इसी के से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। वहां तो बात रहीम ने अगम्य की कही है, शून्यता कम से कम इस मामले में अगम्य नहीं है।
इसलिए, लेकिन स्वरूप ऐसा है कि कहत सुनत की ना ही होने के बावजूद संसार में मुझे लगता है कि जितनी भी अवधारणाओं के बारे में बात हुई है, शून्यता की खूब बात हुई है, और बौद्ध परंपरा में कभी कभी शून्यता को इतना अधिक महत्व दिया गया है खूब, और जो इसके सबसे बड़े प्रणेता माने जाते रहे हैं नागार्जुन, जो नालंदा महाविहार के हैं, उनको तो ऐसा कह दिया गया कि द्वितीय बुद्ध हैं, एक तरह से बुद्ध के बाद सर्वाधिक महत्व वाले व्यक्ति हैं, जो माध्यमिक जो संप्रदाय कहें, जो चार अलग अलग संप्रदायों की अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष जी ने बात की, उसमें से माध्यमिक संप्रदाय को प्रकारांतर से शून्यता का संप्रदाय भी कह दिया गया, इतनी अधिक शून्यता की अवधारणा जो ऊपर में छा गई बौद्ध परंपरा में। तो मैं अपनी बात यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि बौद्ध परंपरा और अन्य जितनी भी भारतीय परंपराओं में जो धर्म की जितनी परंपराएं अलग अलग नामों से हैं, चाहे वैदिक परंपरा हो, अवैदिक परंपरा हो, चाहे नास्तिकों की परंपरा रही हो, जो चार्वाक या बृहस्पति द्वारा जो पढ़े थे उनके बारे में, सभी परंपराओं में एक बात उभयनिष्ठ है, और वो ये कि इन सब में अपने अपने अनुभवजन्य ज्ञान को ही प्रणीत किया है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के ज्ञान को शब्दों में प्रकट कर दिया गया हो। इसको मैं सर, आवाज बहुत कम आ रही है। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज तो देखिए मुझे बहुत अच्छी आ रही है इंदु जी, पता नहीं कैसे कम आ रही है। मैं माफी चाहता हूँ, पंखे की वजह से तो मैं अपना घर का पंखा बंद कर दूंगा तो बहुत गर्मी लगेगी, यहाँ ऐसे भी रखता नहीं मैं। लेकिन आप पंखे आप थोड़ा माइक के नजदीक आ जाएं। हाँ सर, कान में ही है, कान में ही लगा हुआ है। हाँ जी, कान में ही लगा हुआ है, और ये कटा हुआ सेव का ही सारा उपांग है। सॉरी सर, जी नहीं नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चलती है परिचर्चा, तो यही है। तो जो मेरी बात सुन लिया सर जी, रवि जी, ताकि हम आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, आपका जो ये लेपल पर या कहाँ लगा रखा है आपका माइक, कान में तो आपके स्पीकर है, कान में तो स्पीकर है, आप बोलते हैं वो चीज कहाँ है, बोलने वाला कहाँ लगा रखा है? वो अलग नहीं है प्रभु, दिखाता हूँ। नहीं नहीं, ये तो सुनने के हैं, जो जो आप बोल रहे हैं वो आपका लैपटॉप है या फोन? जी है? जी लैपटॉप, जी लैपटॉप है। नजदीक आ जाइए आप, बस आपके लैपटॉप के नजदीक। अभी आपकी आवाज अच्छी हो गई थी। अच्छी हो गई? अरे वाह, हाँ बहुत अच्छी हो गई, थैंक यू। धीरे धीरे सर, डीजल इंजन हूँ, धीरे धीरे थोड़ा गर्माइश आएगी नहीं, तो और भी आवाज आ जाएगी, और माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गई, हाँ धीरे धीरे आएगी सर, डीजल इंजन में थोड़ा वार्म अप होता है ना, तो शुरुआत में थोड़ी ठंडापन है, जितना ज़्यादा आपस में हम परिचर्चा करेंगे उतनी अधिक शब्द करूँगा, पर मुझे लगता है कि शब्दों में वजन अपने आप आ जाएगा सर, आ जाएगा, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत तो होती है कभी कभार, वेबिनार की ये तकनीकी समस्याएँ भी कई बार होती हैं, मैं प्रयत्न करूँगा कि आपको मेरी आवाज़ आ जाए। तो जो मैं कह रहा था कि जितनी भी भारतीय या भारत से उद्भूत जितनी परंपराएं हैं, चाहे वो अन्य शाखाओं प्रशाखाओं में रही हो, अगर हम उस बात को ले लें, मुंडे मुंडे मतृभिन्ना कुंडे कुंडे नवंग पया ऐसा भी सोच लें, तब भी उन सब में एक बात उभयनिष्ठ है कि ये अनुभव जन्य ज्ञान को ही प्रणीत करते हैं। कपिल मुनि सांख्य ज्ञान के साक्षात प्रतीक है, हमारे यहाँ साक्षात्कार ज्ञान का एक तरह से विद्याधर सभी लोग बन जाते हैं, गौतम जी न्याय के ही प्रतीक ही है, कोई और नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मेरे कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इसी यहीं पर से शून्यता का प्रतिपादन आएगा, और जो रहीम कवि की जो बात कही मैंने अगम्य की, उसकी जगह शून्यता शब्द रख के कहें कि शून्यता बात अपने सहज अनुभव में लेने के बाद समझने की है, शब्दों के द्वारा जितना इसका अर्थ प्रक्षेपित किया जा सकता है ये उसमें आने की नहीं है, और आती भी है तो बहुत ही छोटा स्वरूप आ जाता है उसका, तो उसके द्वारा एक तरह से इंगित किया जाता है। मुझसे बेहतर इस बात को आशुतोष जी समझते होंगे कि यदि किसी बच्चे को उंगली पकड़ के हम दिखलाएं कि वो रहा देखो चांद,
तो कभी कभी बच्चा उंगली भी पकड़ लेता है कि हाँ ये उंगली बहुत अच्छा है, इसने मुझे चांद दिखला दिया, उद्देश्य चांद को देखना है। तो ये शब्द हैं जो शून्यता शब्द या शून्यता की अवधारणा, ये हमारी उंगली है। जो शून्यता का भाव है वो चंद्र है, देखना चांद को है। तो जितना भी मेरे जैसा किंचन छोटा व्यक्ति क्या शून्यता के बारे में कहेगा, बड़े बड़े लोग जितने भी नागार्जुन कह गए, असंग कह गए, बसवंधु जितने भी लोग कह गए, उन्होंने शून्यता की ओर इंगित करने का प्रयास किया है। और भारतीय परंपरा की एक यही अनूठी विशेषता है जो वैदिक अवैदिक नास्तिक आस्तिक सभी परंपराओं में समान रूप से उभयनिष्ठ है कि हम सब साधना पद्धति के हैं। जो साधक नहीं है वो शब्द ज्ञान से काम चलाते हैं, लेकिन शब्द ज्ञान को हमारे यहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाता। मैं बौद्ध परंपरा के हवाले से ये बात कह देता हूँ कि यहाँ तीन प्रकार की प्रज्ञाओं का विवेचन किया गया है और शून्यता तीसरे प्रकार की प्रज्ञा में आती है। ये हम सब जानते भी हैं, फिर भी जो नए हैं उनके लिए दोहरा देता हूँ। सबसे पहली प्रज्ञा है श्रुत प्रज्ञा, जो अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बाकी अन्य लोगों की भी आवाज़ आ रही है। तो सुन करके कह करके जो बात दूसरे तक पहुंचाई जा सके उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये प्रथम श्रेणी की प्रज्ञा है। दूसरी श्रेणी की जो प्रज्ञा है वो है चिंतमयी प्रज्ञा। तो सुनने के बाद जो आप उस पर चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, अपने सहज बुद्धि से अपने सहज ज्ञान से उसका जो मिश्रण करते हैं और उससे एक तरह से तुलनात्मक अनुभव पैदा होता है, वो चिंतमयी प्रज्ञा है, जो श्रुतमयी प्रज्ञा से थोड़ी बेहतर है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक ही कक्षा में, या हम वेबिनार में भी यहाँ हैं, तो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 12-13 लोग हैं, तो मैं तो एक ही हूँ बोलने वाला और आशुतोष जी मेरे से पहले थोड़ा बहुत बोल पड़े, लेकिन जो भूमिका में कही गई और अब मैं जो बोल रहा हूँ, बोला एक ही बात जा रहा है, पर हम 13 लोग 13 तरीके से समझ लेंगे इसे। ये बात वही है, ये चिंतमयी प्रज्ञा का साक्षात प्रमाण है कि हम अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार ही वस्तुओं को धारण करते हैं, समझते हैं। और तीसरी जो है, जिसके बारे में मैं कह रहा था सर, वह निष्ठ प्रज्ञा, वो है अनुभवजन्य प्रज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एक्सपीरियंशियल विजडम कहा जाता है। तो अनुभवजन्य प्रज्ञा वो होती है, अनुभव का मतलब यहाँ सिंपली एक्सपीरियंस ले लेना नहीं, अनुभव का मतलब ये होता है जो हमारे जीवन में उतर गया, जो हमारी साधना का एक भाग हुआ और हम साधना कर नहीं रहे हैं, हम साधना में ही हैं, वो है हो रहा है, तब वो जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है सहज प्रज्ञा, वो अनुभवजन्य प्रज्ञा है। तो इस तरह से शून्यता का जो भावना है वो तीसरी भावना के बीच में आता है। मैं वापस उसी बात पर लौटता हूँ जहाँ मैं कह रहा था कि क्यों भारतीय परंपराओं में उभयनिष्ठ है बात। ये इसलिए है कि जो अभारतीय शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा, पर विश्व में जो दो प्रमुख दूसरे पंथ हैं उनमें जो शब्द प्रयोग हुआ है वो चूँकि अंग्रेजी का है, और मैं समझता हूँ कि ये जगह है जहाँ मैं ये शब्द कह सकूँ, वहाँ पर रिवोल्यूशन है। धर्म का जो स्वरूप है वो रिवोल्यूशन है, वहाँ पर उद्घाटन होता है धर्म का, प्राकट्य होता है धर्म के, जो वहाँ प्रणेता है या खुदा है, गॉड गवाह जो भी है, वहाँ प्राकट्य है, वहाँ कुछ भी एडिट नहीं होता, वो ऊपर से दे दिया गया ज्ञान आपको, अवतरण हो गया वहाँ। हमारी भारतीय परंपरा में ज्ञान का अवतरण नहीं होता, हमारे यहाँ एक्सपीरियंशियल विजडम, ज्ञान अनुभवजन्य प्रयोग होता है। और हम एक वो व्यक्ति जिसने ज्ञान को अपने अनुभव में ले लिया, वो उस ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। जिस प्रकार मैंने दिया अभी आपको उदाहरण, और मेरे से बेहतर उदाहरण आप लोग खुद ही दे पाएंगे, गौतम मुनि न्याय की अवधारणा के प्रतीक हैं, कपिल मुनि सांख्य की अवधारणा के प्रतीक हैं, बुद्ध शून्यता के प्रतीक जिस तरह से हैं, और कुछ सूझने की बात ही नहीं आएगी। क्या उससे अधिक शब्दों में, अधिक भाषाओं में कहने वाले कोई और उनके बाद नहीं हुए? नहीं, उससे अधिक होंगे तो फिर उनका नाम आएगा। इसीलिए हमारे नायक बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखें बहुत है, पर हमारा एक विषय में और एक शीर्षक अगर ले लें तो पीएचडी की तरह है, एक शीर्षक वो अपने आप में अद्वितीय ही होगा। वो अद्वितीय इसलिए कि अगर उससे बेहतर कोई कह सके, उससे ज्यादा अच्छी तरह से जब समझाया जा सके, तो फिर उस व्यक्ति के नाम से वो चीज चलेगी।
तो अशुरोची संस्कृत के हैं और अन्य लोग भी संस्कृत समझते होंगे कि आखिर हमारे हमारे में एक ही भाषा और एक अलग अलग शैली की लिखी किताबें एक ही शीर्षक के अंतर्गत क्यों दिखाई देती हैं। नागार्जुन ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये शून्यता की बात जो हम कह रहे हैं ये हम पहली बार कह रहे हैं, पहले भी कही जा चुकी है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग युगों में। कृष्ण ने भी इस बात को कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि पहली बार कह रहा हूँ, ये समय समय पर अपने उस समय की जगत की भाषा के अनुसार और पात्र की पात्रता के अनुसार भाषा और शैली में बदलाव करके ये कही जाती रहेगी। क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उंगली का महत्व उतना नहीं है, महत्व चंद्र का है जिसे बच्चे को दिखलाया जा रहा है कि देखो वो चांद है जो तुम्हारा ध्येय है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से कह रहा हूँ। उंगली का महत्व नहीं है, पर उंगली साधन तो है, साध्य नहीं है। तो शून्यता की बात जितनी भी दर्शन के रूप में कही गई, जैसा कि कुछ देर पहले भी चार तरह के दर्शनों की बात आई, हम सभी को पता है दो उसमें से थेरवाद वाले हैं, दो महायान वाले हैं, तो जिसमें से वैभाषिक और सौत्रांतिक जो दो हैं वो हीनयानी कहें वो तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो खुद को तो स्थविरवाद कहेंगे, थेरवाद वाले महायानी उनको हीनयानी कहते हैं, और दो जो योगाचार यानी कि विज्ञानवाद और माध्यमिक यानी कि शून्यवाद, दो दो नाम के चलते हैं। इस तरह चार अलग अलग दर्शन आए, क्या हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि बुद्ध चार दर्शनों की व्याख्या कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने 42 से 45 अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ग्रंथों में बात कही गई है, तो इतने वर्षों तक चारिका करके जो बात लोगों को समझाते रहे वो अलग अलग बात तो नहीं हो सकती, अगर वो शून्यता की अगर बात कहें समझा रहे थे तो। उस बात को समझने की जो पद सोपानिक व्यवस्था थी उसमें अलग अलग सोपान पर बैठे लोग अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा अलग अलग तरीके से उसका आत्मसात कर रहे थे और फिर दोबारा उसका प्रकटन कर रहे थे, इसलिए वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्थान पर यह बदलती चली गई। ध्येय एक ही था, तो अब मैं मूल और इसलिए मैंने भारतीय और भारत से बाहर के परंपराओं में थोड़ा सा एक अंतर स्पष्ट किया कि वो जो रिलीजन वर्ड जिनके लिए, हमारे लिए तो शब्द है भी नहीं, हमारे लिए शब्द धर्म है जो रिलीजन से काफ़ी बड़ा है, इस पर तो फिर कभी बात हो सकती है, ये अपने आप में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि रिलीजन धर्म का पर्याय है या नहीं है, लेकिन हम अपने यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए रित शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्हीं अर्थों में उसे लिया जाना चाहिए। तो बाहर के जो धर्म रिवोल्यूशन है इसलिए उनके परिभाषिक शब्दों में तो हम नहीं आ सकते, हमारे जो धर्म है वो एक्सपीरियंशियल है, यानी उन धर्मों का तो प्रकटन होता है, हमारे यहाँ अनुभव होता है, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की व्यवस्था है। हर जगह प्रत्येक स्तर पर छात्र से लेके शिक्षक से लेके आचार्य से लेके भगवानों तक के स्तर पर शास्त्रार्थ होता है, और ये परंपरा इतनी अधिक है कि अगर इस बात का कहना यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा कि हमारे यहाँ तो शादियों तक में शास्त्रार्थ हो जाते हैं, और जो पक्ष जीतता है अगर कन्या पक्ष जीतता है तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कन्या ज़्यादा और दुल्हा, तो यहाँ तक कि हमारे जीवन में इसको इतना ज़्यादा इंटरट्विंट कर दिया गया, अगर कहें तो इतना अंतर संबंध बना हुआ है जीवन में, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोध है, क्योंकि वाद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तत्व है, और तत्व जाने के लिए अब हम जो भी एपिस्टेमोलॉजी में जितने भी अलग विधियों का प्रयोग कर लें और उससे जो भी एक्सपीरियंस अपने अपनी बुद्धि और अपने अपनी जगह और अपने अपनी भाषा के अनुसार जो भी प्रयोग कर लें, तो और इसलिए भारत की एक अपनी विशेषता रही है जो धर्म में कहा गया है, इसको रिलीजन के बजाय धर्म शब्द का ही प्रयोग करूँगा, तो मैं इस अवसर का प्रयोग करते हुए मैं उस 18 बिंदुओं की बात करूंगा जिनके कारण भारत में होना और धार्मिक चर्चा यानी हम जिस परिचर्चा में अभी हैं उसमें होना एक अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इनमें से कुछ चीजें टूट जाए तो बात बनती नहीं है। ये जो मैं ये ले रहा हूं मैं उस मैं रेफरेंस बता देता हूं कि जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है उनमें भी यह है, और भारतीय परंपरा में भी एक अतिश दीपंकर श्री ज्ञान हुए हैं, उनकी ये परंपरा भी है जिन्होंने बोधिपथ प्रदीप किताब लिखी है संस्कृत में, जो हमारे यहाँ लुप्त प्राय सी हो गई थी और तिब्बती परंपरा से इसका पुनः रक्षण किया गया है, और बनारस में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज ने इसको दोबारा संस्कृत में
लिख करके अंग्रेजी में करके फिर हिंदी वगैरह सारा कुछ करके, तो उनमें से अवधारणा मैंने ली और तिब्बतन परंपरा से ली, दोनों को जो हमने देखने की प्रयत्न किया है उनमें ये कहा गया है हमारे, और हमारे यहाँ सामान्य भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग होता है कि मानव जन्म अति दुर्लभ है। अब सामान्य तौर पर हम इस बात को धार्मिक परिचर्चाओं मान लेते हैं, अरे भैया मानव जन्म दुर्लभ है, अच्छा क्यों देवता भी तरसते हैं जन्म लेने को, तो मेरे जैसा जो व्यक्ति जो दिल्ली में पढ़ा हुआ चंडीगढ़ में हम लोग पढ़ पढ़ा, मतलब देवता काहे को तरसते हैं, 7 अरब तो हम पहले से ही हैं या खरब कहें तो, वो इतने लोग हैं और इतनी जनसंख्या हमारी है, उनकी जनसंख्या के लिए न खाने को है न पीने को है न प्रॉपर फैसिलिटी, और वेस्ट में इतनी कम जनसंख्या इतनी फैसिलिटी है, और भगवान लेते हैं जन्म यहाँ पर हो गई, और ये मानव जन्म को दुर्लभ बता रहे, काहे को दुर्लभ है, हम दुर्लभ है तो हम तो पहले से 140 अरब दुर्लभ हैं, इतने लोग दुर्लभ तो नहीं हो सकते। लेकिन इसका एक धार्मिक से अवधारणा के स्वरूप में अगर देखें तो मानव जन्म 18 बिंदुओं के गुणों से युक्त होता है, उस मानव जन्म को दुर्लभ कहा गया है, मानव शरीर को दुर्लभ नहीं कहा गया है। तो ये जो 18 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके बाद शून्यता की बात रखूंगा, वो अपने आप में है, जिनमें से 8 तो हमें मुक्त अवस्थाएं मिलती है, यानी 8 ऐसे अवगुण हैं या 8 ऐसे बस दुर्घटनाएं हैं जिनसे हम मुक्त होते हैं यदि हम भारत में हैं तो, यानी मानव जन्म मिला है भारत में तो, ऐसा नहीं दूसरे का नहीं, और 10 ऐसी कुशलताएं हैं जो हमें आती हैं जस्ट बाय डिंट ऑफ बीइंग इन इंडिया, कि हम भारत में हैं, धार्मिक चर्चा में हैं और ऐसी जगह उपलब्ध है। तो ये मैं बिल्कुल सामान्य बिंदु हैं, ऐसे कोई बहुत ज्यादा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ आशुतोष जी की अनुमति से कि मैं हिंदी में इनको ठीक से कह सकूँ, क्योंकि मुख्यतः मैं अंग्रेजी में ज़्यादातर लिखता हूँ, किताबें भी ज़्यादातर अंग्रेजी में है, तो फिर भी तो इसमें से पहला बिंदु है कि हम नर्क से बचते हैं भारत में जन्म लेने के, नर्क लोक में नहीं, नरक में नहीं है। नंबर दूसरा बिंदु है कि हम जो भूखे प्रेत योनि में नहीं है, मानव जन्म मिलता है, ये हमारी इन चीज़ों से मुक्त है। तीसरा है हम पशु योनि में नहीं है। चौथा है हम बहुत लंबी दीर्घायु वाले देवों की श्रेणी में भी नहीं है, इसलिए भी मानव जन्म है, इस पर ये भी काफ़ी अलग से चर्चा होती है। पांचवा है कि हम धर्मच्युत नहीं है, यानी धर्म धर्म से अलग नहीं है, यानी धर्म की परंपरा में है, ऐसे समाज में है, ये भी एक अपनी है। चौथा है कि हम ऐसी जगह पर नहीं है जो बिल्कुल कबीलाई समाज है, जहाँ बिल्कुल पिछड़ा समाज है, जहाँ धर्म श्रवण नहीं होता हो, जहाँ धर्म की आवाज़ तक नहीं पहुँची हो, बर्बरी सभ्यता जहाँ पर सिर्फ पशुवत व्यवहार होता हो, इससे भी मुक्त हैं भारत में होने के से। और सातवां जो है कि हम मूर्ख नहीं है, यानी हमारी अभिज्ञा ऐसी है कि हम बातों को समझ सकते हैं, जिस रूप प्रज्ञा की मैंने बात कही वो हमें कह सुन के समझाई जा सकती है, तो हम बड़े इस मामले में मुक्त हैं इस दिक्कत से, हम सुन ही ना सकें समझ ही ना सकें ये तो बड़ी अजीब सी बात है, यानी हमारे अंग प्रत्यंग सब ठीक ठाक हैं जिसमें मनुष्य बुद्धि का योगदान ज्यादा है। आठवीं बात है जो अंतिम है ये इसमें कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ बुद्ध की या देवताओं की या धर्म की शिक्षाएं उपलब्ध हैं आसपास में हमारे। अब 8 तो ये हो गए जिन चीजों से हम बचे हुए हैं, 10 ऐसी चीजें जो हमारे पास हैं हम रोज याद नहीं करते, फिर भी हम दुर्लभ मानव जन्म कहते हैं इसको, कि हमें मानव जन्म अपने आप में मानव शरीर ठीक ठाक मिला हुआ है, ये अपने आप में एक दुर्लभता है जो मिली हुई है। तो एक हम धर्म क्षेत्र में, यानी जहाँ पर बुद्ध राम कृष्ण ये दूसरे ये बातें हैं और उनकी वाइब्स हैं, उनके द्वारा कही गई बातें भी वायुमंडल में अपनी जगह हैं, जैसा कि साइंस की बात कही रहते हैं कि थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ऊर्जा के संरक्षण का जो सिद्धांत है, तो वो शब्द भी हैं, शब्द ब्रह्म अपने आप में एक अलग अवधारणा है, वहाँ हमने जन्म लिया है, और हमारे सभी, और जो दूसरा है कि हमारे सभी अंग प्रत्यंग ठीक हैं, हम कान ठीक है, धर्म सपोर्ट कर सकते हैं, आँख ठीक है, विवेक हमारे में आ सकता है, सही गलत कहाँ जाना नहीं जाना ये सब, बुद्धि ठीक है, शरीर ठीक है, ये हमारे अंग प्रत्यंग ठीक है। तीसरा है कि हम धर्म विरुद्ध जितने आचरण हैं कहीं कहीं पर हम बाध्य हो जाते हैं ऐसा करने के लिए, वो नहीं, भारत में रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। पांचवा है कि हमारे में
कि पवित्रता अलग अलग धर्म अपने अपने संप्रदाय अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करने की जो स्वतंत्रता भारत में उपलब्ध है ये अपने आप में ही दुर्लभ है। और इससे अगली बात पांचवी ये हो गई कि और हम अब आए हैं, हमसे पहले इतने महापुरुष महाविद्वान लोग हो चुके हैं, ये भी हमारे लिए एक दुर्लभता है, क्योंकि उससे पहले बड़ी मुश्किल थी कि कौन सी बात कही जाती है, अलग अलग समय में कही जाती रही है, पर अब तो इतने सारे लोगों ने कह दी। और धार्मिक परंपरा हमारे, और अगला जो छठा कहें सातवां, कि धार्मिक परंपरा हमारे यहाँ है और चली आ रही है, कैसे घराने हैं, कई ऐसे कुल हैं, कई खानदान हैं जिन्होंने बड़ी सारी धार्मिक परंपराओं धार्मिक शिक्षाओं का श्रवण किया है, वाचिक परंपरा से उनको जीवित रखा है और फिर लिखा भी गया है, तो वो भी हमारे लिए दुर्लभ है, हमारे आसपास ही है। और आठवां जो है इसमें कि धर्म हमारे यहाँ टूटा नहीं, विदेशियों का शासन आया, अलग अलग राजाओं का शासन आया, आपस में गृह युद्ध भी कह सकते हैं हुआ, और इतनी लंबी परंपरा रही, तो विदेश की जिन्होंने विश्व इतिहास पढ़ा हो 30-30, 40-40, 50 साल, कई देश तो 20 साल में ही धर्म परिवर्तन हो गया 7वीं शताब्दी के बाद, हमारे यहाँ अभी भी है, ये अपने आप में एक दुर्लभता है। और नवा है कि जो धार्मिक शिक्षाएं हैं वो आज भी, अगर हम इस अंतर से कहें बुद्ध के बारे में, बुद्ध की शिक्षाएं कहें, तो अभी भी उसको जानने सुनने मानने वाले हैं जिनसे हम उस परंपरा में आ सकते हैं नए लोग भी। और अंतिम है कि ये हमारा स्वभाव अपने आप में धर्म को सुनने और समझने के लिए उपलब्ध है। तो ये इसके ये वर्ष नंबर 59 है नागार्जुन लेटर टू किंग गौतमी पुत्र, ये जो नागार्जुन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक चिट्ठी लिखी थी, तो उस पुस्तक में ये वर्ष नंबर 59 पर ये बातें हैं, मैं रेफरेंस के लिए कह देता हूँ। ये एक तरह से जैसे आशुतोष जी ने कहा था वो उसकी भूमिका थी, तो ये मेरे बात द्वारा कही जाने वाली बात की एक भूमिका है कि हम धर्म और धर्म प्रवण है और हम दुर्लभ मानव जन्म है हमारे में। अब शून्यता की बात करता हूँ आप लोगों की अनुमति से, तो शून्यता की जिस अवधारणा को हम समझना चाहते हैं, असल में इस अवधारणा का अर्थ ही है कि कोई भी अवधारणा नहीं है। शून्य में तो ये बात परस्पर भाषा के रूप में विरोधी सी लगती है, अंतर्द्वंद भरी लगती है, लेकिन अवधारणा रहित तो होना ही एक अवधारणा है। जैसे कि अगर साइंस की बात सर कर रहे थे कि मैथमेटिक्स में तो अगर हम डिजिट को कम करते जाएं तो वहाँ जीरो एक डिजिट है, यानी जीरो एग्जिस्ट करता है, लेकिन दर्शन में या अवधारणा में अगर हम शून्यता कहें तो शून्यता की अपने आप में अवधारणा नहीं है, बस शून्यता है। इस शून्यता है को कैसे समझा जाए, उसी को चतुष्कोटि जो श्लोक पढ़ा है सर ने कि ये है या नहीं है, या है और नहीं है भी और नहीं भी है, ये उभयम का अर्थ ये हो गया, और या कि या तो नहीं है और नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कह सकते, इसका अर्थ ये निकला। मैं इसको दोहरा के भी बोल सकता हूँ कि किसी भी वस्तु या घटना, अंग्रेजी में एक शब्द इसके लिए बड़ा प्रचलित है और मैं उसका प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ, फिनोमिना। तो किसी भी फिनोमिनन को, जिसको फिनोमिना में हम वस्तु भी कह लें और घटना भी कह लें, यानी संज्ञा और क्रिया दोनों, तो इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं, हम अपने इंद्रियों के द्वारा किसी घटना या किसी वस्तु को देखते सुनते समझते हैं। नहीं, इतना आसान तो नहीं। बुद्ध ने कहा है कि हम किसी वस्तु को समझते हैं या उसको पहले तो अपने अस्तित्व के ऊपर देखें, कोई वस्तु अस्तित्व में है कैसे। तो इसी के लिए जो चार आर्य सत्य दिए गए हैं उसमें से दूसरे आर्य सत्य का यदि हम अवलोकन करें तो ये पाएंगे कि उसमें 12 पायदान हैं। वो 12 पायदान में तकनीकी शब्द जरूर हैं, लेकिन असल में हमारे अस्तित्व का मूल है, बताया तो जरूर गया है कि वो दुख का हेतु है, दुख असल में हमारे अस्तित्व का हेतु है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार हमारा अस्तित्व दुख से ही है। दुखवादी तो है ही बुद्ध, कहा जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल दुखवादी है, मुझे इस बात को मानने में कोई संकोच नहीं। हालांकि प्रचंड रूप से बौद्धों ने इसका बड़ा खंडन किया है कि नहीं नहीं बौद्ध दुखवादी नहीं है, नहीं मैं मानता हूँ बौद्ध दुखवादी, निराशावादी नहीं है,
ये दोनों शब्द अलग अलग है, बद दुखवादी बिल्कुल है, क्योंकि दुख को ही हम समझ सकते हैं। दुख को तीन अलग अलग कोटियों में समझा गया है बुद्ध के द्वारा, और ये तीन कोटियों में एक दुख सामान्य दुख है, जो शारीरिक मानसिक सामाजिक जो भी दुख होता है, हमें कष्ट होता है, जिसमें से प्राण संकट भी, शरीर पर चोट भी, वाचिक जो बुरे शब्द कहे जाते हैं, अलग अलग वह सामाजिक हानि, मान की हानि, वो सारे सारे आ गए इसमें, जिसको कि जानवर चींटी से लेकर हाथी तक भी समझ जाता है कि भाई चोट लगने वाली है, यहाँ से दूर रहना है, या प्राण के संकट है यहाँ पर, तो हिरण भी भागता है। दूसरी जो दुख की परंपरा है उसमें आता है ऐसा दुख जो वस्तुतः प्रकट में दिखाई तो सुख देता है, ऐन्द्रिक सुख, पर अंततः उस ऐन्द्रिक सुख की परिणति दुख में होती है। ये दुख का दूसरा प्रकार है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि अधिसंख्य लोग, अधिसंख्य क्या, अगर कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दो तो इसको लोग सुख ही समझते हैं, तो जो ऐन्द्रिक सुख है उसको बुद्ध ने दुख ही कहा है। और तीसरा है हमारा अस्तित्वमान दुख, हम इस जगत में हैं और जगत दुख का ही परिणाम है, तो इस जगत में हमारे होने का अर्थ है कि हमारी अपनी इच्छा है इस जगत से जुड़ने की, तो इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, जिसके लिए बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, वर्स नंबर 153-154 एक साथ आता है, मैं यहाँ बोल देता हूँ, आप कहेंगे तो लिख के भी भेज दूंगा, कि अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिभ्यसंग गेह कारक गवेशं तो दुखा जाति पुनः पुनः, कि बार बार दुख के रूप ही जन्म लेता था, माने अनेक जन्मों में, बुद्ध ने खुद कहा है कि अनेक मैंने जन्म लिए, तो बाद में जातक कथाओं के रूप में जाना गया, पर मैं संधावन करता रहा, संधा विषय पुनः पुनः बार बार ढूंढता रहा भाई दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, लेकिन मैंने ढूंढा कि कारक गवे संतो की, मेरे घर को बनाने वाले कौन है, घर से तात्पर्य यहाँ हमारे जन्म से है, शरीर के घर में कि हमारा घर कैसे बन जाता है, हमें फिर जन्म लेना पड़ता है, पर उसकी परिणति दुख में ही हुई है। तो ये जगत में दुख को बुद्ध मानते ही है, तो हमारा अस्तित्व दुख का ही है, और इस अस्तित्व का कारण दूसरे मार्ग, ये जो नोबल ट्रुथ है आर्य सत्य में बतलाया गया है, न कि वो दुख का कारण बतलाया गया, कि हमारे अस्तित्व का कारण क्या है, उस कारण को समझे तो संसार की सभी वस्तुओं और घटनाओं का कारण उन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि भाई यही है इनका कारण, और चूंकि ये इनका कारण है इसलिए ये शून्यता है। मैं इसी बात को अपनी तरफ से कहता हूँ, जैसे 12 सोपान है, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम, नाम पच्चया सदायतन, सदायतन पच्चया फस फस पच्चया वेदना, तो इस अवेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया भाव, भाव पच्चया जाति, जाति पच्चया उपादान, जा जा राम रण दुख, ये 12 अलग अलग पद सोपानी के, जो सातवें सोपान पर जो है कि वेदना पच्चया तन्हा, यानी जो हमारी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स वो है जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, उसी को वेदना कहा गया, वेदना पच्चया तन्हा, इससे तृष्णा का जन्म होता है, और यही तृष्णा फिर भव में, यही जाति जरा मरण सारे में बदल जाती है, क्योंकि तृष्णा ही आगे हमें रखती है। तो ये जो तृष्णा है इसका मूल तो पहला वाला अविद्या ही है, कि हमारी अविद्या है कि हमें सही विद्या नहीं है। सही विद्या क्या है, तो शून्यता का ज्ञान, शून्यता का ज्ञान का है कि कोई भी वस्तु जिसे हम देखते हैं क्या वो सचमुच में उसका सही स्वभाव वही है। किसी भी को भी हम किसी की संज्ञा दे दें, एक पुस्तक की संज्ञा दे दें, क्या पुस्तक अनादिकाल से अनंत काल तक पुस्तक ही है, तभी तो उसे पुस्तक की संज्ञा देंगे, तो हम पाते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है। पुस्तक तो कागज लाया गया, या मान लीजिए छाल पत्र के जमाने में लाया जाता हो, कभी सोने पर लिखा जाता है, जो भी उसका हो, वो लाया गया, उस पर शब्द लिखे गए, तब वो पुस्तक बनी, यानी वो निर्माण हुआ है। पहले पुस्तक शुरू से पुस्तक नहीं था, तो जो निर्माण हुआ है वो विध्वंस भी होगा, अभी ना हो 2000 साल बाद हो या 1 मिनट बाद हो। तो ये निर्माण और विध्वंस के बीच का जो समय है, बस इसको जो आप समझ जाएं तो शून्यता का भाव समझने में बड़ा आसान है, क्योंकि बुद्ध के समय ही जो अंतिम जो बुद्ध का उपदेश था यही था, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादय,
यानी सभी धर्म व्यय धम्मा है, सभी धर्म में व्यय होते हैं, सभी संस्कार व्यय होते हैं और फिर आय व्यय चलता रहता है। इसलिए बुद्ध धर्म को समझने के लिए शून्यता समझें या उनके जितने अलग अलग तकनीकी शब्द समझें, बात एक ही होगी कि अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिना, जितने भी संस्कारित ऑल कंपाउंडेड थिंग्स आर इम्परमानेंस इन नेचर, इसका अंग्रेजी अनुवाद ये हुआ कि जितने जो वस्तुएं संस्कारित हैं, प्रकृतितः वैसी नहीं है जैसी दिखती है, वो बनती हैं और फिर विनष्ट होते रहती हैं, और ये बनने और विनष्ट होने की प्रक्रिया इतनी लगातार चलती है और इतनी तेजी से चलती है, जैसे हम लोग चलचित्र देखते हैं तो जिनका विज्ञान का पृष्ठभूमि होगी वो इस बात को समझ सकते हैं कि यदि एक सेकंड के अंदर हमारे को जो चित्र हैं 14 चित्र दिखलाए जाएं, 12 भी कहते हैं कई जगह पर, मैं 14 इसको रखता हूँ पुराने वाले थे में, 14 चित्र दिखलाए जाएं और वो एक जैसे हों तो हमें वो चित्र चलते हुए दिखाई देंगे। मूवी की या चलचित्र की यही परिभाषा है, हमारा आँखें हमारा मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो उनको स्थिर चित्र के रूप में नहीं देखेगा, जैसे हम सिनेमा हॉल में हीरो हीरोइन नायक नायिकाओं को चलते फिरते देखते हैं। हमारा मस्तिष्क जानता है कि यहाँ पर पर्दा है, कुछ भी नहीं है, प्रकाश है अंधकार है। संसार की सारी वस्तुएं भी इसी तरह है, बन रही है बिगड़ रही है बन रही है, लेकिन हम जो बीच में कुछ क्षण के लिए देखते हैं कि ये पुस्तक है, ये कोट है, ये किताब है, ये लैपटॉप है, ये है, ये विजय सिंह है, ये आशुतोष जी हैं, जो हम देख के हम समझ लेते हैं कि ये यही हैं, ये शून्यता का अभाव है। तो मेरा पहला बिंदु ये था कि शून्यता क्या नहीं है, ये तो ये था सर। दूसरा बात जो मैं कहने वाला हूँ, समय मेरे पास कितना है बता देंगे तो मैं उसी हिसाब से आगे चलता हूँ। आशुतोष जी समय मेरे पास कितना है सर? अभी 10 मिनट है आपके पास। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत है, बहुत है, ठीक है सर। तो अब मैं इस पर आता हूँ कि शून्यता है क्या? जैसे ही हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि है तो शून्यता वहां नहीं है, है का अभाव है, और उसी को चार अलग है चतुष्कोटि विमुक्तं तत्त्वमादिभिका विदुः का अर्थ वही है कि हम किसी वस्तु को समझना चाहते हैं और हम अपना जगह भी नहीं छोड़ना चाहते। मैं एक उदाहरण देता हूं जो बुद्ध ने भी दिया है कि भाई ऐसा है कि उस जमाना था घोड़े का, आजकल कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं आराम से, दोनों मेरे पास है गाड़ी लेकर के देखिए मेरी गाड़ी है, इसको चला के देखें, ये ठीक है, बहुत बढ़िया है, पेट्रोल कम कंजप्शन करती है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसे कह रहे देखिए बात तो ठीक है, आपकी गाड़ी तो मैं देखूंगा और मैं अपनी गाड़ी से उतरूंगा नहीं, आपकी गाड़ी में चेक करूंगा उसको लूंगा। तो कुछ कुछ शून्यता अनुभव वैसा ही है कि जब तक हम अपने पूर्वानुभवों पूर्वाग्रहों और पहले से संचित ज्ञान को एक तरफ न करेंगे तो शून्यता की अवधारणा है हमारी अभी जो वस्तु हमारे मन की है इस अवधारणा से हमेशा कंपैरिजन चलती रहेगी। कार में बैठते दूसरे कार को जजमेंट करते रहेंगे, तो इसी को बुद्ध के जमाने के एग्जाम्पल थोड़ा और अच्छे थे। उदाहरण नाव में मैं बैठा हूँ और दूसरा नाव वाला आता है, ये नाव बढ़िया है, ये नाव अच्छी बनी हुई है, इसमें खूब आराम से ज्यादा जगह है, आ जाइए हमारे नाव में, आपकी नाव जो है छोटी है इसके तेज लहरों में, तो नहीं वो आपकी नाव तो मैं देखूंगा पर मैं अपनी नाव से पैर एक ही पैर आपकी नाव में रख के देखूंगा कहता है। तो आप सभी समझ गए अंदर डूबने ही वाला है, जो अपनी नाव में भी पैर रखेगा और दूसरे नाव को भी रखेगा। तो कुछ कुछ ऐसी है कि उपलब्ध संचित ज्ञान से ही तुलना, ये मन स्वभाव है, इसमें हमारी कोई गलती वाली बात नहीं, ये हमारी अविद्या ही है जिस अविद्या से हम किसी विद्या को जानते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात की, अब जो हमारे पास जो भाषा है, हमारे पास जो उपलब्ध संचित ज्ञान है, जब तक उस ज्ञान से जितना मेरी बातें मैच करेंगी, हाँ वो तो विकेशन जी ठीक बोल रहे हैं, और जो मैच नहीं करेगी वो तो हम नहीं मानते, तो हम मानने में आ जाते हैं। मेरा आग्रह इतना ही है, आग्रह तो नहीं कहूँगा, मेरा कहना कथन यही है कि बौद्ध परंपरा में शून्यता का ज्ञान जानने से आरंभ होता है, मानने से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसमें कुछ भी माना जाने की प्रक्रिया नहीं है, ये जानने की प्रक्रिया है कि आप ये जान ही लीजिए कि प्रत्येक वस्तुओं का स्वभाव अनित्य है, इम्परमानेंस,
अनिच्छा, ये जो बुद्ध के मृत्यु के उपरांत ऐसा कहा जाता है बौद्ध शास्त्रों में, शक नाम का एक देवता है या देवताओं के राजा कह लें, लिखा गया है, ऊपर से आकाशवाणी हुई थी, उन्होंने ये कहा था, जब सभी लोग वहां रो रहे थे, आनंद भी थे, बुद्ध की देहावसान हो चुका था तो सब लोग रोने लगे, तो उसी समय आकाशवाणी हुई और शक नाम के दिन अनिच्छावत संखारा उत्पाद वैधम्बिनो उपजित्वा निरुज्झति तेसम वूप समो सुखो, उपजते ही निरुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने में और उसके निरोध होने में कोई समय का अंतर है, नहीं नहीं, उपजता ही अंत फिर उपजता है फिर अंतर, वो इतनी प्रक्रिया लगातार है कि एक चलचित्र की भांति पूरा दृश्यमान जगत हमारे सामने चलता रहता है और ये मान लेते हैं कि ये ही संसार है, ये ही जगत है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मेरा है, ये तुम्हारा, ऐसा कुछ अस्तित्वमान है ही नहीं, वो प्रत्येक क्षण भी नष्ट हो रहा है, प्रत्येक क्षण बन रहा है, और क्योंकि हम उसको समझते नहीं है कि ये प्रत्येक क्षण बन रहा है बिगड़ रहा है, हम उसको एक लगातार पक्का मान के चलते हैं कि ये है, ये अविद्या ही शून्यता का निरोध कर देती है, और ये हम समझ जाएंगे यही शून्यता है, यही शून्यता का अपना भाव है, हम नहीं जानते इसलिए दुख की स्थिति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं जो अभी बातें मैंने कही, इनको बौद्ध परंपरा में त्रिलक्षण कहा गया है, अनित्य, अनात्म और दुख, यानी अनित्यता है, इम्परमानेंस है, और क्योंकि अनित्यता है इसलिए किसी भी वस्तु में सेल्फलेसनेस है, यानी कोई भी वस्तु स्वभाव से रहित है। मैंने चूंकि अंग्रेजी में लिखा वो भी दोहरा देता हूँ, मैं थोड़ा सा सहज महसूस करता हूँ उस वाक्य को, कि ऑल थिंग्स आर डिवाइड ऑफ इंट्रिंसिक नेचर हेंस वॉइड, सभी वस्तुएं स्वभाव से रहित हैं, स्वभाव मतलब नेचर नहीं, स्वभाव मतलब ये ऐसा है ऐसा है, इसका सही अर्थ है कि स्व में उनका भाव नहीं है, यदि पुस्तक में पुस्तक का ही स्वभाव अगर हो तो वो तो हमेशा ही पुस्तक रहनी चाहिए, व्यक्ति में व्यक्ति का स्वभाव हो तो विजय में विजय का स्वभाव हो तो वो हमेशा रहना चाहिए। इसी बात को भिक्षु नागसेन ने द क्वेश्चन ऑफ किंग मिनेंडर या मिलिंद पहियों पाली में बड़े आराम से किंग मिनेंडर को समझाया है, जो पश्चिमी पंजाब में उस समय पहली सदी में थे, कि उन्होंने पूछा राजा ने कि भिक्षु आपका नाम क्या है, तो नागसेन जी ने कहा जी मुझे नागसेन कहा जाता है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा नाम नागसेन है, मुझे नागसेन कहा जाता है, हकीकत में तो हम सभी पंचस्कंद फाइव इंग्रेडिएंट्स है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान सभी में समान है, लेकिन मुझे एक अभिधान दिया गया है, एक नाम दिया गया है ताकि दूसरों से अलग होकर समझा जा सके। तो इस प्रकार मेरा सबमिशन ये है अंतिम में कि शून्यता का ज्ञान सीधे सीधे ये कह देना कि ये शून्यता है, ये भाषा के दृष्टिकोण से मुश्किल है, अनुभव के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, यानी क्या क्या शून्यता नहीं है, इस प्रकार से जो ज्ञान देने की परंपरा थी बौद्धों ने उसे अपोहवाद कह दिया, और अपोह कह दिया क्योंकि जो अगर मेरे कमरे में जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ क्या क्या विजय नहीं है ये सब कुछ निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वही तो विजय होगा। तो इस तरह से शून्यता का ज्ञान शब्द के द्वारा दे पाए या नहीं दे पाए ये तो अलग बात हो गई, लेकिन जो शून्यता क्या नहीं है इसका प्रारंभ बुद्ध ने इसलिए किया, और ये भी एक कारण रहा है बुद्ध को दुखवादी कहने का, कि हमें दुख का, हम सबको पशु पक्षी इस तरह भी हम सब हैं बात करें, सबको दुख का अनुभव तो खूब है, एकदम पक्का दुख, तो दुख से ही हमारी उत्पत्ति ही है, ऐन्द्रिक सुख को भी हम दुखी वो दुखी है लेकिन हम सुख समझते हैं, और जो प्राण संकट या शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट को दुख समझ, तो दुख तो हम समझते हैं, सुख हम नहीं समझते, और बौद्ध परंपरा में सुख तो सिर्फ निर्वाण में हो सकता है, तो इसलिए कहते दुख का अनुभव है, और ज्ञान अनुभव से ही, अनुभव जन्य प्रज्ञा ही होनी चाहिए, श्रुत प्रज्ञा चिंत में ही नहीं, अनुभव जन्य होनी चाहिए, तो इसलिए हम दुख आपको समझाएंगे और तब बाद में समझाएंगे कि देखो भाई ये हमारे जो शून्यता ज्ञान है ये अनुभव में ले लो तो ये जो अभी तक तुम दुख में थे ना ये हट जाएगा, बस वही निर्वाण है, वही शून्यता है। मेरे इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत सरल शब्दों में और सरल तर्कों से इस सारे विषय को प्रतिपादित किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और निश्चित ही ये सिर्फ केवल शब्दों से ही समझ में आने वाला नहीं है, ये अनुभव से समझ में आएगी बात,
नहीं तो अति बौद्धिकता जो है वो कई बार विषयों के साथ जो है वो हिंसा कर जाती है। लेकिन फिर भी आदमी का जिस तरह की कंडीशनिंग हो जाती है वो इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कुछ प्रश्न जो आपके साथ सांझे किए थे कि भाई एनर्जी जो है वो नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट कैन क्रिएटेड, सो उस तरह की बातों को जब आप देखते हैं समझते हैं तो एक मन में पूर्वाग्रह बने हुए होते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बातों ने उन पूर्वाग्रहों से हमें सहायता की है बाहर निकलने की और इस सारे विषय को एक व्यापक दृष्टि से देखने और समझने के आपने हमें उपलब्ध कराया, एक मार्ग उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हुए हैं, उनकी मैं जरूर टिप्पणी और प्रश्न या जिज्ञासाएं जो भी उनका है वो जरूर चाहूँगा। और सबसे पहले डॉक्टर रवि शर्मा जी हैं नासा से और वो कैलिफोर्निया में हैं, इस वक्त रात वहाँ पड़ी हुई है लेकिन फिर भी वो उत्सुकता पूर्वक आपका अभिभाषण सुन रहे थे, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने बात अपने हमारे साथ साझी करें। और उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी और फिर अखिलेश चंद्र शर्मा जी, विल टेक देम जी। रवि जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अत्यधिक नई जानकारी आप दोनों के माध्यम से बुद्धिज्म के बारे में हम लोगों को मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कई प्रश्न हैं, अब कौन से शुरू करूं, लेकिन आप एक वो सर्कल वाला पहले बता दें जो आपका चार्ट है ना, मैं चक्र है, हाँ ये इसमें नहीं और एक और है इसी तरह का, यस। तो इसमें कई कई बिंदु ऐसे हैं जिनमें नॉन कंटिन्यूस नेचर ऑफ वर्ल्ड डिस्क्राइब की हुई है, चाहे वो क्षणिकवाद हो चाहे वो शून्य, वो स्थिति जहाँ शून्यता नहीं है वहाँ कुछ होना आपने बताया, इस तरह बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कई बार जो हम हिंदुइज्म में या वैदिक स्टडीज में मिस कर जाते हैं, वो मेरे बुद्धिज्म के टीचर थे डॉक्टर डी एस कोठारी साहब, वो जैनिज्म बुद्धिज्म को कंपेयर भी करते थे और एट फोल्ड वे को बहुत प्रतिपादित करते थे, कहते थे वो, और दलाई लामा उनके पास जैनिज्म बुद्धिज्म की कुछ चीज़ें सीखने आते थे बिकॉज ही वॉज मच यंगर देन डॉक्टर कोठारी, सो एट दैट टाइम ही यूज्ड टू कम। एनी वे द इंट्रोडक्टरी पार्ट अपार्ट, शून्य के बारे में मेरे तीन प्रश्न हैं या कमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि क्या शून्य का एनर्जी से कनेक्शन होना जरूरी है? मेरे हिसाब से एक मिनट के लिए अगर हम माने कि कोई जरूरी नहीं है तो फिर शून्य की नेचर क्या है? एनर्जी लेस है, ये एनर्जी लेस अवस्था है, उस वो अवस्था में क्या सुषुप्त एनर्जी है या अवेलेबल ही नहीं है? एक पार्टिकल फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है वैक्यूम पेयर प्रोडक्शन, जहां आप बिल्कुल वैक्यूम समझते हो, रेडिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है, वहां पर उस वैक्यूम के एक स्पेस टाइम पॉइंट पर आप पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर फाइनमैन डायग्राम के हिसाब से क्रिएट कर सकते, तो ये वैक्यूम पोलराइजेशन या वैक्यूम पार्टिकल प्रोडक्शन एक शून्य की एक ये भी अवधारणा हो सकती है। शून्य को आपने तीन चार तरीके से बताया पर उसमें एक स्टेटस या स्थिति का रूप नहीं दिया, या वो इंक्लूडेड है, आप ये क्लैरिफाई करें कृपा करके। तो इस तरह मेरे और भी प्रश्न है, वो बाद में पूछ लूंगा, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि ये तो दो तीन पॉइंट आप क्लियर कर दें जी। डॉक्टर साहब जी, सर जो मेरा मेरी जो अवधारणा अपनी कुछ भी नहीं है, बुद्ध की और नागार्जुन की अवधारणाओं को जो भी समझने का मैंने प्रयास किया है उसके अनुसार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि
डॉक्टर रवि शर्मा जी ने शून्य को कोई भौतिक वस्तु के तौर पर या उसके हिसाब से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शून्य की कोई भौतिक स्थिति नहीं है और नहीं ऐसा बुद्ध के या नागार्जुन में समझा सकता है। ये आपके मन के बुद्धि में इनमें गम्य है ही नहीं, जो अनुभव में गम्य है। जो जैसे मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि उदाहरण के स्तर पर ही समझाया जा सकेगा। रवि जी, हम यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ एक रसगुल्ला तो आप जानते होंगे, चाहे कहीं भी हो, तो एक रसगुल्ला मैं खा रहा हूँ। उस रसगुल्ला खाने पर जो मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए जो अनुभव होगा, मैं उस अनुभव को आप तक कैसे पहुँचाऊँ, या आप एक जो आपको अच्छा लगता होगा अमेरिका में, वो जो आप उस अनुभव को मुझ तक कैसे पहुंचाओगे जबकि वो मुझे अनुभव नहीं होगा पहले से। तो मतलब आप कोई ऐसी वस्तु खा रहे हैं जो आपको अत्यंत प्रिय हो, बहुत अच्छी हो, उसका अनुभव मुझ तक कैसे पहुंचाएंगे। दर्शन की भाषा में इसे गूंगे का गुड़ कहते हैं। एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दें, फिर उससे पूछेंगे भैया कैसा लगा गुड़, बेचारा कुछ नहीं बोल पाएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था, रहीमन बात अगम्य की, कहत सुनन की नाही, जे कहत है जानत नहीं, ये जानत है कहीं ना, ये तो है। तो ये अनुभव में आने की तो है, इसलिए कोई भौतिक वस्तु तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए पार्टिकल फिजिक्स कहें या थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहें, वो तो हम लोग ने एर्थ नाइन्थ में पढ़ा था, उससे आगे तो साइंस पढ़ा ही नहीं, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। तो हर प्रत्येक वस्तु को जो विज्ञान ये मानता है कि ऊर्जा के स्तर पर जाती है, तो विज्ञान का जो रेने डिकार्ट ने जो 19वीं शताब्दी में जो अपना एक विभेदन कर दिया था रेस एक्सटेंजा और रेस कॉग्निता में, ये रेने डिकार्ट साहब ने किया है, फ्रेंच ने थे, हम लोगों ने तो नहीं किया। तो उन्होंने जो रेस कॉग्निता को विज्ञान से ही अलग कर दिया और रेस एक्सटेंजा को रखा है। अब रेस एक्सटेंजा में मैं शून्य को कहाँ से ले आऊँ, और रेस कॉग्निता का वो विभेदन है। मेरा इतना ही। डॉक्टर साहब, लेकिन इसी संदर्भ में निस्वभावता जब आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भौतिकता से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि जो अभौतिक है उसका स्वभाव कैसे वर्णित होगा। तो निस्वभावता शब्द का जब साभिप्राय प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुण समूह द्रव्यम की जो परिभाषा हम देते हैं, तो गुण तो द्रव्य में ही रहेंगे, तो इसका मतलब है कि भौतिकता को बिल्कुल हम नकार नहीं रहे हैं, तो क्रमशः उसमें से निकाल के अति भौतिकता को या भौतिकता को उसमें स्थापित कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा ऐसा है? जी, मैं समझ गया। जब आप भूमिका दे रहे थे तो उस वक्त बात हुई थी कि जिन लोगों ने ये कहा था कि भाई जो आप कह रहे हैं कि सभी वस्तुएं शून्य हैं, तो फिर जो आप शब्द जो कह रहे हैं सेंटेंस, ये भी शून्य है। तो शून्य से शून्य का निरूपण कैसे किया जा रहा है, या शून्य की जगह कहाँ है, और अगर जगह है तो सभी वस्तुएं शून्य नहीं हो गई। तो ये न्याय वैशेषिकों की, यानी जिनके जिनका ये आप जानते हो, जो ग्रंथ है बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, और उसी ग्रंथ के 1 से 20 नंबर तक के श्लोक में यही सारी बातें कही गई है। और 21वें श्लोक से नागार्जुन अपनी बात शुरू करते हैं कि क्योंकि सभी वस्तुएं स्वभाव से रहित हैं, इसलिए मेरा ये कथन कि सभी वस्तुएं स्वभाव से रहित है अपने आप में शून्यता को निरूपण करता है, क्योंकि मैं वस्तुओं को रहित नहीं कर रहा, वस्तुएं स्वभाव से रहित है, वस्तुएं शून्य नहीं है, वस्तुओं में शून्यता है। तो वस्तुओं में फिजिकल शून्यता की बात नहीं हो रही है, वस्तुओं का अपना स्वभाव का अर्थ यह है कि वस्तुएं ये हैं, हम उंगली रख के या किसी खास समय में खास नहीं कह सकते ये है, वो ऐसा है नहीं, इसलिए हम उंगली नहीं रख सकते। ये जो अभावात्मक जो दृष्टिकोण है, इसको शून्यता कहा गया। शून्यता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मैं पहन लूं और कहूं देखिए साहब टाई लगा लिया, ये शून्यता है, ऐसा नहीं हो सकता। जी ठीक है, आपकी बात समझ पा रहा हूं। इसके बाद अगर डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी अगर बात सुन रहे हैं, तो यदि अब वो इस विषय पे टिप्पणी करें, और फिर उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी। अखिलेश, चलिए पहले डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी, इन्होंने कल जो साझा किया था वो मैंने आपके साथ पहले बता दिया, लेकिन अभी हम सिर्फ शून्य के ऊपर टिके, क्योंकि फिर वो बात इधर उधर की हो जाएगी। जी सर,
शून्य के बारे में एक गणित में भी सिद्धांत है, जीरो सम गेम। 1941 में वॉन न्यूमैन ने एक किताब लिखी थी, उस पर रूसी वैज्ञानिकों ने काफी काम किया था। वो स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी में है, तो सिलेबस में तो नहीं था। मैंने 1972 में वो किताब पढ़ी थी, अभी वो पढ़ने पर वो स्वयं मुझे समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो उसमें तो उसमें जैसे टू मैन पर्सन गेम है, एक आदमी का जो लाभ होगा वो दूसरे की हानि होगी, दोनों मिलाकर के शून्य हो जाएगा। थ्री पर्सन गेम है, फाइनेंशियल थ्योरी है उसका, और एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। कॉस्मिक थ्योरी भी है, जैसे रवि जी बोल रहे थे फिजिक्स में एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, पांच तरह का कंजर्वेशन लॉ है, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स मिला करके। उसी तरह से पूरे विश्व के बारे में भी कहते हैं कि जितना मैटर का यूनिवर्स है उतना ही एंटी मैटर का यूनिवर्स है, दोनों मिला करके जीरो हो जाता है। वो एक कल्पना है, उसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरह के सिद्धांत है शून्यवाद पर। आजकल के गणितीय सिद्धांत भी काफी हैं, और वह बौद्ध सिद्धांतों के का ही विस्तार एक कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के शून्य हो जाएगा। वैसे तो हर सिद्धांत इतना व्यापक साहित्य है कि वो सब सिद्धांत ठीक लगता है कि बाकी सिद्धांत गलत हैं। बुद्ध के बारे में एक और कमेंट है कि जो प्रज्ञा पारमिता की बात वो करते हैं, वो सुमेधा बुद्ध का सिद्धांत था। जिस सुमेधा बुद्ध के पास परशुराम जी दीक्षा लेने गए थे, तो उन्होंने त्रिपुरा रहस्य नामक तीन खंड की विशाल किताब है सुमेधा बुद्ध की। भारत में उनको वेद में उनको सुमेधा ऋषि कहते हैं, बौद्ध लोग उन्हीं को सुमेधा बुद्ध कहते हैं। उनका स्थान अभी भी बौद्ध कहा जाता है, दक्षिण उड़ीसा में है, महानदी के दक्षिण बौद्ध जिला है, और महेंद्र पर्वत भी वही है जहाँ पर परशुराम जी उनसे दीक्षा लेने गए थे। चंडी पाठ के भी प्रथम अध्याय में उन्हीं सुमेधा ऋषि का जी बस इतना ही कहना था। जी जी चलिए धन्यवाद। और ये रुचिकर बात आपने मुझे बताई, क्योंकि मुझे भी इस बात का ध्यान नहीं था कि सुमेधा ऋषि और सुमेधा बुद्ध, ये मेरे ध्यान में नहीं थी बात, लेकिन इसको मैं जरूर देखूंगा कि सुमेधा बुद्ध जो हैं वो क्या हैं, वो किस बात के प्रतीक हैं। जी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी, सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं, और आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सिंह साहब से हम आदरणीय आशुतोष जी की कृपा से मुखातिब हो रहे हैं। तो शून्यवाद बहुत उच्च स्तर की चर्चा है, पर मेरा थोड़ा सा, चूंकि मेरा ज्ञान अत्यंत न्यून है बुद्ध मत के बारे में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बुद्ध जी थे, जो 500 ईसा पूर्व थे, क्योंकि आदरणीय उपाध्याय जी ने तो और भी कई बुद्धों की चर्चा की है, पर मैं जो मुख्य रूप से 500 ईसा पूर्व वाले जो बुद्ध थे, मेरी जानकारी ऐसी है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, और उनके मरने मतलब उनके स्वर्गवास के भी एक वर्ष बाद कुछ ग्रंथ जो है लिखे गए। उसमें एक सुत्त निपात है और एक धम्मपद है। दोनों ही ग्रंथों से ये ध्वनित होता है कि वो शुद्ध सनातन धर्मी थे, उन्होंने कोई नया मत नहीं चलाया। वो वेद के बहुत बड़े भक्त थे, ब्राह्मणों के भक्त थे और वर्ण व्यवस्था के भक्त थे। तो एक प्रश्न तो मेरा ये है कि क्या जो बाद की सारी चर्चाएं हैं वो बुद्ध के बाद लोगों जो उनको सुनने वाले थे उन्होंने अपने तरीके से उन चीजों को रखा, या और कुछ बात है। दूसरी बात, ऐसा कौन सा सत्य ज्ञान है जो पूर्व से सत्य सनातन वैदिक धर्म में नहीं था और बुद्ध मत में है? आदरणीय जी सिंह साहब जी, ठीक है, मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। हालांकि जो विषय है तो मेरे कहने से थोड़ा अलग भी है, तो भी बात से पहले बीच में मैं थोड़ा कहना चाह रहा था
अभी जो हमारे मित्र ने कहा कि महात्मा बुद्ध वन व्यवस्था के पक्षधर थे, तो मेरा केवल इतनी जिज्ञासा है कि जन्म पर आधारित वन व्यवस्था की बात कर रहे हैं वे अथवा कर्म पर आधारित वन व्यवस्था जी? कर्म पर आधारित। लेकिन सर ठीक है आपकी बात, बस दो मिनट और ले रहा हूँ सर आपको। सर एक ही प्रश्न नहीं है मेरा, प्रोफेसर ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी कि अवधारणा रहित होना भी अवधारणा है। मैं समझता हूँ यही शून्य का आधार है। और जी। अभी एक प्रोफेसर ने जब गणित की बात की थी जीरो सम की, तो मैं चूंकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो हमारे यहाँ भी जीरो सम थ्योरी लागू होती है। उसमें यही है कि आपस में इतना लड़ा दो एक दूसरे को कि सब कुछ शून्य हो जाए। तो ये मेरे थोड़ा सा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन यदि दे दें पैसा तो मेहरबानी। मतलब एनआरकी की ओर ले जाने के लिए जीरो सम को यूज करते हैं आप? चलिए चलिए डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करें इसको और फिर उसके बाद अत्यंत संक्षिप्त, मुझसे बेहतर तो अस्पोची कर पाएंगे। मैं तो उतनी ही बात करता हूँ कि जो व्यावर्त जिसे कहा गया है संस्कृत में, उसी को हटाने के लिए नागार्जुन ने विग्रह व्यावर्तनी लिखी थी, जिसके भी चर्चा थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, जिसके 1 से 20 तक के श्लोकों की संख्या में न्याय वैशेषिक लोगों के जो उपालंब कह लें, आक्षेप कह लें या जो ऑब्जेक्शंस कह लें अंग्रेजी में कहे वो, और 21 में से यकीन मानिए मेरा, अगर 100 लोगों ने विग्रह व्यावर्तनी पढ़ी है तो लगभग 96-97% लोग पहले श्लोक से पढ़ते हैं और कहते हैं ये नागार्जुन क्या कह रहे हैं, जबकि ऊपर में लिखा हुआ है न्याय वैशेषिक का है, वो 21वें श्लोक किसी भी पुस्तक में नागार्जुन के द्वारा रचित पुस्तक में उनके खुद के वक्तव्य 21वें श्लोक से आते हैं। तो हम लोग जो अभी तक जितने डॉक्टर साहब लोग पूछ रहे हैं, मुझे वो लग रहा है व्यावर्त की बातें हैं, उसी का विग्रह करने की सारी बातें हो रही थी कि हम उसको दैट्स डिफरेंट। हमारे बिहार में एक भाषा है जो कि पटना से उधर समस्तीपुर तरफ कुछ लोग प्रयोग करते हैं, हमारे एक मित्र हैं प्रमोद जी फिलोसफी के ही हैं, और वो कहते हैं कि जब कुछ भी उनके पास बचता नहीं है व्यर्थ चला जाता है तो उसको अपनी स्लैंग लैंग्वेज में वो उपयोग करता है कि कुछ सब सोडा हो गलो, मतलब जैसे सोडे से अगर गैस निकल जाए तो मात्र पानी बचता है, उसी तरह से उस मैथमेटिकल जीरो का अर्थ व्यर्थता से है। यहाँ पर जो शून्यता का प्रतिपादन करने का जो शब्दों के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है वो अभावात्मक होते हुए भी अभाव वस्तु का नहीं है, वस्तु के स्वभाव के अभाव की बात कही जा रही है। और जो आप मैथमेटिकल जीरो या फिर और दूसरे दूसरे विषयों के जीरो, वो एक तरह से निगेशन है, और ये बौद्ध धर्म में शून्यता निगेशन नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी मैं आशुतोष जी को बताऊंगा। चलिए अभी ले लेते हैं बीच में एक प्रश्न और डॉक्टर इंदु जी का, और मेरा निवेदन रहेगा कि अगर डॉक्टर गणेश सर जी कुछ इस विषय पे कहना चाहें। मैडम इंदु पहले आप कह लीजिए, उसके बाद डॉक्टर गणेश सर जी, और फिर एक बार रवि जी के पास चलेंगे। जी सर, सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गुरुमुख से ही ये शिक्षा है, मतलब इतने शास्त्र नहीं पढ़ सकते वास्तव में सामान्य इंसान जो आपके मुख से सुनाई पड़ जाते हैं, आपकी आभारी हूँ। और वह चाहता हो कोई कभी समझ के लिए क्षमा भी हूँ, आप मुझसे कह सकते हैं टोक सकते हैं। तो मुझे शून्यता का जो समझ में आया तो यही समझ में आया कि इसका पद कैसे चलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुख से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और जिससे ही योग्यता आती है वो समस्या के बाद ही आगे आगे निकलता है, मुझे तो यही समझ में आया। सही में जब दुख होता है तभी आदमी का दिमाग शून्य में होता है, वो शून्य के बाद काम करना शुरू करता है कि हमें अपना समाधान कैसे करना है। और शायद बौद्ध ने भी ऐसे किया कि आप सब तो बुद्ध हैं जो वहां तक पहुंच जाते हैं, मुझे तो ये और बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत अच्छे से समझ में आया, मैं आपकी आभारी हूँ, यही कहूंगी मैं तो, धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, डॉक्टर गणेश जी। सर प्रणाम, नमस्ते, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और समय दिया, लेकिन मैं अपना सारा समय रवि शर्मा जी को देना चाहूंगा, मेरे लिए कहने कुछ नहीं, मैं उन्हें कहता हूं कि कृपया अपने प्रश्न रखें। ओके चलिए, मुझे एक बार मौका मिल चुका है, आप अगर
कुछ कहना चाहें तो जरूर। मेरे दो प्रश्न और हैं। मैं आप ही को समय दे रहा हूँ, आप कृपया अपने प्रश्न पूछिए। नंबर वन, जैसे हमारे को पूर्णमिदम ये उपनिषद में मिलता है, इस तरह शून्य पर भी कोई प्रसिद्ध प्रचलित श्लोक है क्या? और ऐसा कोई श्लोक है क्या वेद या वेदांत में कि जो शून्य और पूर्ण दोनों को एक साथ जोड़ता हो? ये तो वैदिक दृष्टिकोण का पता पड़ जाएगा। दूसरी बात मैं अभी सोच रहा हूँ, पर पहले ये प्रश्न। और दूसरी बात है कॉग्निटिव पर, जो आपने कही डॉक्टर साहब, जो कही कॉग्निटिव वाली बात, उसमें क्या ये शून्य माइंड की स्थिति को डिनोट कर सकता है क्या, यदि द्रव्य नहीं है तो? और जो आपके जो वक्तव्य रहे उनमें हर पदार्थ की के धर्म और काल की सीमितता आपने बताई, उसी को हम धर्म कहते हैं संस्कृत में मेरे हिसाब से। कि धर्म होता है पदार्थ या कोई भी इवेंट, कोई भी चीज का धर्म होता है। इट लिव्स थ्रू इट्स लाइफ साइकिल एंड बिफोर एंड आफ्टर इट इज नॉट प्रेजेंट एक्सेप्ट ईश्वर विच इज वर्तमान। तो एक और बात कहना चाहूंगा, तीसरा पॉइंट, मोतीलाल जी शास्त्री ने शून्य तत्व को बताया, जयपुर वाले पंडित मोतीलाल जी शास्त्री, मुझे उन्होंने यज्ञोपवीत पर आशीर्वाद दिया था, तो उन्होंने काफी लिखा है 80,000 पेज पर, उसमें एक चैप्टर है शून्य तत्व पर। शून्य से शून्य को वो एक तत्व मानते थे वैदिक परंपरा। ऐसे तीन प्रश्न है आपके लिए। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रयत्न करता हूँ। जो मेरा अपना कहना है कि एक तो पीछे जो बात रह गई थी पिछले प्रश्न में कि जन्म के आधारित पर व्यवस्था को माने कर्म का, तो उसका जवाब भी दे दिया था, कर्म पर आधारित मानी गई है। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा और विस्तार भी करता हूँ कि हमारे भारत में दोनों परंपराएं साथ साथ चली हैं, एक ज्ञान परंपरा और एक भक्ति परंपरा। मुझे लग रहा है कि कभी कभी हम टीचर लोग या विद्वतगण भी दोनों परंपराओं में खिचड़ी बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो भक्ति परंपरा का अलग उनके प्रयोग होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनके मार्ग हैं, और ज्ञान परंपरा के अपनी है। ज्ञान परंपरा में कर्ता भाव रहेगा ही रहेगा, और अंतिम सोपान पर जाकर उस कर्ता भाव का अंत होता है। जबकि भक्ति परंपरा में तो प्रारंभ से ही कर्ता भाव का अभाव है, क्योंकि उसमें तो जो है सो ईश्वर ही है। और जो और ये दोनों परंपराएं भारत में चली हैं, और दोनों ही एक्सपीरियंशियल परंपराएं हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था। इसलिए हम दोनों परंपराओं को तो न मिलाएं। बौद्ध परंपरा ज्ञान परंपरा में आती है, भक्ति परंपरा में आती भी नहीं। और जो भी बौद्ध विद्वान लोग भक्ति परंपरा करते हैं, क्योंकि मैं प्रकारांतर से समय उतना नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपना तो बोल ही चुका हूं, पर फिर भी एक बहुत ही छोटी बात का सुपोज की आज्ञा से मैं उसका अनुमति से उसका उदाहरण दे देता हूं कि मैं अपनी कक्षा में बैठा था पंजाब विश्वविद्यालय में, तो एक सरदार जी आए और वो पंजाबी में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत पंजाबी में समझ भी लेता हूँ, बोल लेता हूँ। तो मैं तो जो कहा मैंने फटाफट वो काम कर दिया, तो अत्यंत प्रसन्न हुए मुझसे। तो उन्होंने अपनी पंजाबी में कहा, तुम मेरे बड़े चंगे पंजाबी पढ़ाओ। तो मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं पंजाबी नहीं। तो उनको लगा कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि सिंह नाम से उनको लग गया होगा कि मैं भी सिख हूँ। नहीं कोई नहीं, तुझे पंजाबी नहीं, मतलब आप कहाँ कितने? मतलब मैं बिहार से हूँ। वो बेचारे आश्चर्यचकित हो गए। फिर उनको लगा एक और आई बात, अच्छा आप हैं तुसी जे किड़ा ना था जाप करते हो, मेरी पंजाबी समझ रहे हैं आप लोग, किसके नाम जाप करते हैं आप लोग? तो मैंने कहा जी मैं तो किसी भी नाम को जाप नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे गुरु नानक जी ने दसिया है जो सिख धर्म के जो बेस है, नाम जप करो, किरत करो, वंडी छको, ये बिना तो मुक्ति संभव ही नहीं है। तुसी बेशक गुरु नानक का नाम ना जपो, तो बुद्ध का ना जपोगे ना जी बुद्धिस्ट हो। तो मैंने उनको धीरे से कहा, सर मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं जनेऊधारी व्यक्ति हूँ, बुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर मैंने उनको निकाल के दिखलाया कि जी मैं
रखता हूँ मुझे हमेशा, और मैं उस परंपरा से हूँ, लेकिन बुद्ध को मैंने पढ़ा है, समझा है, कोशिश की, मतलब उनके आश्चर्य का अंत नहीं। और वो मुझसे कुछ रुष्ट तो नहीं हुए, आश्चर्यचकित होकर गए कि बिना नाम जप के मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, हमारे नानक जी ने कह दिया है, ये सामने जो बैठा है कह रहा है नाम जपने, मैं बुद्ध ने तो नहीं कहा नाम जपने को, पर वो कहते हमारे जो मजनू के टीले में और धर्मशाला में, जो मैं कहानी बड़ी नहीं कर रहा, बहुत छोटे बता रहा, जो ओ मनी पे मैं हूँ करके गोल गोल वज्र घुमाते रहते हैं तिब्बती लोग, मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि वो बुद्ध की बात को मान रहे हैं, नहीं बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरे नाम का जाप करके घुमाते रहो करुणा अवतार बुद्ध का। वो इस तरह से बौद्ध परंपरा में भी, या किसी भी जैन परंपरा हो, सनातन परंपरा हो, प्रत्येक परंपरा में कर्म कांड में और व्यवहार में धर्म के जिस पक्ष का पालन किया जाता रहा है उसको धर्म की सही और तार्किक व्याख्या का भी कहा जा सके ये तो उचित बात नहीं है, बल्कि ये विपरीत अर्थों में सही है कि धर्म की जो अपनी व्याख्या है जिससे समझा जा सके उससे उसके निष्पादन करने के अलग अलग तरीके अलग अलग समाज में निकल जाते हैं, उनसे धर्म के तत्व को ग्रहण करना चाहिए, उनको प्रत्यक्ष धर्म समझ के ग्रहण करना थोड़ा सा अतिरेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान परंपरा बुद्धवादी है, मैंने पहले भी कहा था यहाँ जानने की है, तो जो क्योंकि इनके मूल बेस है कि अविद्या, अविद्या का प्रहाण ही अभिप्रेत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसके प्रहाण के लिए ही शून्यता समझना है, और जो भी अलग अलग बात, चाहे मैथमेटिकल शून्यता की बात करें, पॉलिटिकल साइंस, जो भी अलग अलग बात करें, वो बातें शब्द एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल ही दूसरी बातें हैं। तो इनको मैं नहीं समझता कि इनको एक साथ रखना चाहिए। जो मैंने फ्रेंच जो रेने डिकार्ट की बात की थी, रेस एक्सटेंजा उनकी भाषा में, यानी जो भौतिक बाहरी बाह्य जगत है, जो दृश्यमान जगत है, जो दृश्य प्रपंच जिसको बोलते हैं फिनोमेना, उस जगत के को उन्होंने विज्ञान की परिभाषा के लिए स्थिर कर दिया 18वीं-19वीं शताब्दी में जब वो हुए थे उस समय, और ये कह दिया कि जो रेस कॉग्निता है, यानी जो कॉग्निशन होता है, हमें जो भान होता है, मालूम होता है, अब वो मालूम देखिए कुशल चित्त से है या अकुशल चित्त है, ये अलग अलग जब कॉन्फ्रेंस होगा तो वहां बताया जा सकता है, क्योंकि जो समाधि को प्राप्त होगा, मैं बहुत थोड़े में समझाने की कोशिश करता हूँ रवि जी को, कि समाधि का इतनी सरल परिभाषा बुद्ध ने दी है, मैं ये नहीं कहता कि यही सही है, आप बस सुन लें, कुशल चित्त एकग्रता इति समाधि, बस बहुत लंबी चौड़ी अभ्यास की जरूरत नहीं, लंबे चौड़े कोई बहुत फिलॉसफी की जरूरत है, आपका चित्त कुशल हो और वो एकाग्र हो जाए, बस होगी समाधि। तो असर वस्तुतः जो अभिप्रेत है शून्यता का ज्ञान या शून्यता की समझ, वो तो इतनी साधारण है कि कभी कभी हमें लगने लगता है यार ये इतनी बड़ी चीज इतनी साधारण कैसे, ना 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 होगा, बहुत कष्ट वाला होगा, वैष्णो देवी जाने में जितना पैर में दर्द हो, जितना कष्ट हो, पानी के अंदर घुस के निकले तब तो कुछ हुआ कि देवी के दर्शन जरा ठीक से हुए, सीधे हेलीकॉप्टर से चले गए, ये कोनो दर्शन होता है, धर्म में तो जितना कष्ट हो उतना अच्छा है। तो ये वाइस वर्सा ट्रू है, यानी धर्म को जानने में तो कष्ट हो सकता है, पर इसका अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि यदि आपको कष्ट होता है तो आप धर्म के नजदीक जा रहे हैं, बस मेरा इतना ही कहना था। जी जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। वैसे डॉक्टर रवि जी और बाकी लोगों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो नागार्जुन का आचार्य आर्य नागार्जुन का जो मध्यमक शास्त्र है, इसका ये जो 15वां भाग है स्वभाव परीक्षा, मुझे लगता है इसको जरूर हमें थोड़ा इसका स्वाध्याय करना होगा, क्योंकि तब ये जाकर के हमें कुछ बातें समझ में आएंगी कि शून्य की बात वो किस संदर्भ में और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विरोधी बातें हैं कि अस्ति नास्ति को दोनों को एक साथ ही रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के सोचने का स्तर तो यही है कि या तो है या नहीं है, लेकिन जब वो उभयात्मक होता है और जब वो दोनों उभयात्मक भी नहीं रहते तो फिर वहां पे जो उसका सॉल्यूशन है वो स्वभाव परीक्षा। तो ये जो 15वां चैप्टर है स्वभाव परीक्षा वाला, इसको मुझे लगता है जरूर देखना चाहिए, और इसके साथ ही ये जो बौद्धों की ये जो परिभाषा है गुण समूह द्रव्यम, तो मुझे लगता है कि जब जिसे हम पदार्थ समझ रहे हैं वो वस्तुतः कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो गुणों का समूह है, तो गुणों की अभिव्यक्ति है, तो इसलिए इस संदर्भ में वो जो है ये शून्यता की बात आती है कि वस्तु अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल गुणों का एक समूह है और जिससे वो आकृतियां जो है वो अभिव्यक्त होती हैं। तो और मुझे लगता है कि विज्ञान के
काफी पास चली जाएगी ये बात अगर हम इस दृष्टि से देखना लगेंगे, क्योंकि वो एनर्जी की और मैटर की ही अभिव्यक्तियां हैं, सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस हैं, लेकिन अगर उनमें से उस चीज को निकाल दें, माइनस कर दें, हालांकि ये नकारात्मकता में नहीं है, तो इस दृष्टि से शायद शून्य हमें ज्यादा स्पष्ट होगा। जी रवि जी, आप सर कह रहे हैं। इतना सही कहूंगा कि कॉग्निशन की स्टेट्स जी आज इम्पोर्टेंस आने लग गई है थ्रू एआई, और ये आने लग गई है फिजिक्स में बहुत तेजी से। तो वो ये जो तीन चार चीजें आपने बताई ना, है भी नहीं भी है, दोनों है या एक भी नहीं है, ये चारों चीजें पार्टिकल फिजिसिस्ट को थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है अभी पिछले पांच सात वर्ष। मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा आपसे। हाँ सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। मेरा एक निवेदन ये था, जो बहुत सारी गूढ़ बातें भी हैं, हकीकत में गूढ़ होती नहीं है, हमसे अपरिचित है इसके गूढ़, वो बातें मैं इस एक लेख में नहीं लेना चाहता था। जो स्वभाव परीक्षा की बात कर रहे थे आशुतोष जी, तो मैं उससे भागना चाह रहा था, इन्होंने भागने नहीं दिया, वो एक अलग बात है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर रवि जी के और बाकी सबके समझ में आ जाएगा, आशुतोष जी को तो है ही। वो ये है कि भारत में मिट्टी से बनी सुराही भी होती है, मिट्टी के आजकल कप प्लेट भी आ गए हैं, मिट्टी का बड़ा घड़ा भी होता है। तो मुझे बताइए सत्य क्या है, मिट्टी का घड़ा सत्य है, मिट्टी की सुराही सत्य है? ये तो वेदांत का बहुत बड़ा, ये तो वेदांत का बहुत बड़ा नहीं जा रहा था ना, एक अलग विषय शास्त्र। मैं जो कह रहा हूँ ये है, और अगर घड़े को फोड़ दूं, सुराही को फोड़ दूं, और कप प्लेट जो मिट्टी का उसको भी फोड़ दूं, तो वो सत्य क्या असत्य हो गया? नहीं सत्य नहीं, चार प्रकार के सत्य की बात है। व्यवहार के लिए घड़े के आकार सत्य था, और उसके अंदर जो आकाश था वो भी घड़े के आकार का आकाश था, जबकि आकाश का अपना कोई आकार तक नहीं होता। तो अपने आकार में भौतिक स्वरूप में घड़ा अपने व्यवहार में पानी पीने के उपयोग के लिए, यानी जो गुण समूह है उसके लिए सत्य है, लेकिन जब घड़ा फूट गया और सुराही भी फूट गई और सबको मिला दीजिए, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन से टुकड़े घड़े के हैं, कौन से टुकड़े गिलास के हैं, कौन से टुकड़े सुराही के हैं, क्योंकि सब में जो तत्व चिंतन है वो मिट्टी है। मिट्टी का गुण नहीं है घड़ा, मिट्टी का आकार है घड़ा। नहीं, और मिट्टी का जो अपना धर्म है वो है किसी दिन ये मिट्टी भी मिट्टी नहीं रहेगी। सर मिट्टी एक प्रतीक है, धर्म परिवर्तन हो जाएगा समझने का। मिट्टी का प्रतीक मैंने लिया है शून्यता को समझने का। मैं वही बहुत प्रारंभ में कह रहा था, कृपया मेरी उंगली को न देखें, चांद को देखें। ये बहुत आपसे फिर मुलाकात होगी, और हमें उम्मीद है कि आप कुछ सेशंस ऐसे भी रखेंगे जिसमें ये फॉर्मेट थोड़ा सा हम चेंज करके कोलैबोरेटिव डिस्कशन या थिंकिंग, एक साथ सब लोगों का माइंड ओपनली बातचीत कर सके, इसका अवसर मिलेगा कभी। अब तो मैं कौन से वापस आ गया हूँ, अब मैं भारत में ही हूँ। तो एक सवाल सर, ये आपने मिट्टी का उदाहरण दिया, तो मिट्टी तत्व क्या शून्य हुआ? शून्य से उत्पत्ति भी वापस लेना चाहिए। मिट्टी तत्व आपने अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल गया, वो शून्य में आ गए मिट्टी तत्व, तो क्या उससे सभी की उत्पत्ति हुई? ये चलिए जो बात, कोई बात नहीं, एक दो वाक्य में बोल रहे। जो बात ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि मिट्टी के जो आकार थे वो सत्य नहीं है, ये पहला वाक्य था चतुष्कोटि न्याय में कि ये सत्य है, यानी घड़ा तो सत्य है, घड़ा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए नागार्जुन ने दो सत्य की जो परिभाषाएं दी है, जो स्मृति सत्य और परमार्थ सत्य, एक अलग विवेचना का विषय होगा, अगली चर्चा के लिए छोड़ रहा था। तो घड़ा स्मृति सत्य है और मिट्टी भी स्मृति सत्य ही है। परमार्थ सत्य ये है कि न तो वो घड़ा सत्य है न ये मिट्टी सत्य है, और इसीलिए वो दोनों सच होते हुए भी सच नहीं है, इसलिए सत्यासत्य भी कहे जाते हैं और उभय नो उभय भी कहे जाते हैं। ये बहुत अलग से एक इस पर चर्चा जब होगी, तो इस चतुष्कोटि की ही चर्चा होगी, तब पता चलेगा। और मैंने ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया मिट्टी में मिल गया, मैंने कहा घड़े का आकार समाप्त हो गया, घड़ा उतना ही रहा, मिट्टी उतनी ही रही। तो जो हमें ग्रहण करना है
वो उनके स्वभाव को समझना है, स्वभाव को, निस्वभावता को समझना। हमारा स्वभाव हो सकता है पर निस्वभावता तो अपने आप में निस्वभावता ही रहेगी। जो स्वभाव का जो निस नहीं है, जो सभी वस्तुओं का अपना स्वभाव नहीं है, ये एक वाक्य अपने आप में शून्यता को परिभाषित कर देता है। तो अगर हम थोड़ा सा अध्ययन और करें और फिर एकत्रित हों कुछ महीने बाद या कुछ वीक्स के बाद, उसमें हम इस बात को थोड़ा और, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया हमारे लिए बैकग्राउंड आशुतोष जी ने, और आपने पूरा तैयार कर दिया। हम थोड़ी मेहनत करें और थोड़ा सा इसका वैदिक पर्सपेक्टिव लाएं, थोड़ा सा मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव लाएं और थोड़ा सा बुद्धिस्ट का पर्सपेक्टिव लाएं, तो ये तीनों मिलके हम शून्य को थोड़ा और एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश कर सकते हैं। कर सकते हैं, संभावना तो है ही है। अभी इसमें तंत्र का जो शून्य है वो अभी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें वो समना और उन्मनी आदि जितने भी वो है उनके जो बीच का जो गैप है उसको शून्य ही कहा जाता है। तो वो अलग अलग शून्य है, आठ तरह के शायद शून्य है, अब तो वो विस्मृति में सब कुछ चला गया। लेकिन तो मैंने अपने अपने कमेंट्स में जब आपको, अगर आप सेव कर लेंगे या मैंने सेव किया, कि जैसे दो टाइम पीरियड्स के बीच का जो समय होता है, जो गैप जो आपने डिस्क्राइब किया सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरह, वो गैप ही है, उसको शून्य के बीच वाला जो गैप है उसमें कुछ होता है, वो एक कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स में भी है। हाँ, यही चीजें, यही सब बातें सारी एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो मुझे लगता है कि भी हम काफी सफल हो सकते हैं बौद्धिक स्तर पे। और वस्तुतः ये सारा जो विषय है वो है भी यही कि एक बार बुद्धि की अंतिम सीमाएं जो है उनको हम स्पर्श कर ही लें, क्योंकि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि हम साधना कितनी कर सकते हैं या तपस्या कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन तो इतना प्रयास जरूर करें कि भाई बुद्धि की अंतिम सीमा को हम स्पर्श कर लें, तो हो सकता है शायद उसके आगे फिर कुछ अनुभव हो जाए। आपसे एक प्रार्थना हो रहा है दोनों से, जिन्होंने भी बुद्धिज्म को स्टडी किया है, कि क्या सांख्य और बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा समानता अभी भी आज के युग में भी मानी जाती है, या ये हम पुराने अपने षट दर्शन वाले विचार में हम बुद्धिज्म को नहीं पढ़ना चाहते हैं इसलिए हम कह देते हैं वो सांख्य है। ये आज सत्य है या आज भी ओपन क्वेश्चन है? जी डॉक्टर साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस सारे विषय को? विजय जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करें डॉक्टर। हाँ सर जी, तो मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ कि इसमें इतिहास भी आएगा, दर्शन भी आएगा, और हमको जिस धर्म का या जिस अवधारणा को देखना है उसको उसी समय और काल के परिप्रेक्ष्य में पहले देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी तुलना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं तुलना के लिए दो अलग अलग अवधारणाओं को अनुपयुक्त समझता हूँ, क्योंकि सभी अवधारणाएं अपने काल और अपने समय पर सर्वश्रेष्ठ होती हैं, बेहतरीन होती हैं, उनमें कोई गलती नहीं होती, कोई भूल त्रुटि होती ही नहीं, तभी वो एक अवधारणा के रूप में हमारे समाज में आती है। लेकिन तो और जरूरत होती है जी। आइडिया इज नॉट टू फाइंड फॉल्ट, आइडिया इज टू सिंथेसाइज different points of view to arrive at what we can say today. हाथी को जितने भी तरह से देखें देख सकते हैं हाथी है, नहीं, but what we can tell about elephant today. चलिए प्रयास करते हैं। Well, जैसा आप उचित समझे। ये वेबिनार है तो इसीलिए कि जो हमारी अपनी कंडीशनिंग है उसको थोड़ा सा डीकंडीशन करें और देखेंगे कि जिस तरह से लोग अपनी जड़ता में बुद्धिज्म को और वैदिक स्टडीज को विरोध के पक्ष में देखते हैं, वैसा मुझे तो स्वयं तो नहीं प्रतीत होता। मुझे लगता है वो फर्दर एक एक्सटेंशन है। अब वो निर्भर करता है कि आपका अपना प्रश्न क्या है, आपका अपना प्रश्न का स्तर क्या है, तो इसको देखते हैं आगे और इसका अनुसंधान और अन्वेषण करेंगे और चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब
ने आज एक आधारशिला हमारे साथ साझी की है, तो आगे इसका विस्तार करने का हम प्रयास करेंगे। हम तो बुद्ध को दशावतार में एक अवतार मानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दृष्टि की यही तो व्यापकता है, वो जो दृष्टि हमारी 30 डिग्री 35 डिग्री 40 45 डिग्री की है, वो कैसे 60 और 90 डिग्री पे चली जाए या 180 पे चली जाए, उसी के लिए तो ये सारा प्रयास है। ये बाकी तो हम कुछ सिद्ध कर देंगे ऐसा तो कुछ नहीं है, और ना ऐसी कोई अपेक्षा है, केवल अपनी दृष्टि खोलने की बात है, जिसके लिए हम आभार प्रदर्शित करते हैं डॉक्टर विजय जी का कि उन्होंने इतने सरल शब्दों में हमारे सामने हमारा ज्ञान प्रस्तुत किया, और मेरे एक निवेदन पे उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया, ये तो उनका सबसे बड़ा मेरे पे उपकार है, क्योंकि जो ज्ञान आप लोग इतने अनुभव से इतने परिश्रम से इतनी मेहनत से अर्जित करते हैं, उसे किसी के निवेदन करने पे ऐसे ही निश्चल भाव से दे देना, मुझे लगता है कि ये मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी बात है, मनुष्यता के स्तर पे। तो मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, और आगे की जो चर्चाएं रहेंगी उनमें भी आप शामिल हों जब भी आपको समय उपलब्ध हो, क्योंकि सारे के सारे विषय जो हैं वो लगभग इंटरडिसिप्लिनरी की तरह ही रहते हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी भी नहीं, बस वो दृष्टि को खोलने के लिए रहते हैं, दृष्टि का विकास करने के लिए, दृष्टि को संवेदनशील बनाने के लिए रहते हैं। हालांकि इसमें एक पक्ष अभी रह गया, वो अगली बार लेंगे कि शून्य का सौंदर्य पक्ष क्या है, जिसकी कालिदास ने चर्चा की, तो उस विषय पे भी जरूर अभी चर्चा जो है वो शेष रहती है, उसको हम लेंगे, क्योंकि सौंदर्य के बिना तो जीवन नहीं है, तो नहीं तो वो तो सारा कुछ डिप्रेशन में चला जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। तो मुझे लगता है शून्य जो है वो वस्तुतः एक सौंदर्य का दर्शन है, तो उस दृष्टि से भी हम इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबके भी प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। रवि जी, आप सर कब समय दे पाएंगे हमें अपने वक्तव्य के लिए?